हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूँ कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यानी कि हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में और उसको कंजर्व करने के कुछ तरीके समझेंगे। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी और क्यों हम उसे कंजर्व करना चाहते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम शुरू से कहता हूं, हमें सिर्फ पढ़ना उतना है जितना कि एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी निकाल लो। तो आओ देखें एनसीईआरटी क्या बात कर रही है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। तो चैप्टर 15, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आओ देखें क्या कह रहा है ये। तो देखो, कुछ बात करना चाह रही है एनसीईआरटी। वो कहना चाह रही है, इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी, अगर कोई एक एलियन बहुत दूर की गैलेक्सी समझते हो ना, ठीक है, वर विजिट टू अवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट पे आता है, ठीक है ना, तो द फर्स्ट थिंग डैट वुड अमेज, जो सबसे पहली थिंग जो उसको अमेज करेगी ना, एकदम मतलब चौंकाएगी, बैफल करेगी, चकरा देगी एकदम से कि ये क्या चीजें हैं करके, हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द इनॉर्मस डाइवर्सिटी। बहुत ज्यादा जो डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर, है ना, बहुत सारे जीव जंतु, तरह तरह के पेड़, ये सब देखे, क्योंकि किसी और प्लैनेट पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अभी तक नहीं मिली है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, अच्छा डाइवर्सिटी का मतलब सब लोग समझ रहे हैं ना, डाइवर्सिटी का मतलब कुछ और नहीं है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें पाई जा रही हैं, लिविंग थिंग्स, यही डाइवर्सिटी है और इसको डाइवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। और बायोडाइवर्सिटी मतलब तो जीवित जीव जंतु पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी अगर छोटा सा एरिया, तुम अपना इलाका ले लो एक, तो वहां पे कई तरह के प्लांट होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब मिलकर क्या बन रही है, बायोडाइवर्सिटी बन रही है। ओके, तो कह रहा है जो इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है लाइफ को लेकर के, डेट ही वुड इनकाउंटर, जो उसको यहां मिलेगी उसको देख के वो थोड़ा सा चकरा जाएगा, बहुत ज्यादा अमेज हो जाएगा। इवन फॉर ह्यूमंस, यहां तक कि ह्यूमंस के लिए भी, द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद विच दे शेयर दिस प्लेनेट नेवर सीजेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस। इवन ह्यूमंस भी काफी ज्यादा एस्टोनिश और फैसिनेट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और काफी ज्यादा चौंकते हैं कि इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है हमारे प्लेनेट पर। ओके, अच्छा यहाँ पे एक बात उसने बोल दी है कि हम लोग उसको शेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ना, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, प्लांट, इन सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ओके, द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट, 3,00,000 स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स, ठीक है ना। तो कह रहा कॉमन जो आदमी है, आम इंसान, जो साइंटिस्ट नहीं है हम और तुम, जो आम इंसान है, वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, बड़ी मुश्किल से यकीन कर पाता है, क्या 20,000 से ज्यादा चींटियों की प्रजातियां हैं, ठीक है, 3,00,000 से ज्यादा बीटल्स, कीड़े जो होते हैं, ठीक है, कीड़े मतलब जो बीटल्स होते हैं ना, जो वैसे उड़ने वाले कीड़े टाइप के रहते हैं, 28,000 ज्यादा फिशेज, मतलब 28,000 से ज्यादा मछलियों की जातियां मौजूद हैं, ठीक है, नियरली 20,000 ऑर्किड्स, ऑर्किड्स पता है ना, जो दूसरे प्लांट में सारा लेकर के अपना क्या करता है, ग्रो करता है। ओके, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जो इकोलॉजिस्ट हैं और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जो इवोल्यूशन को मतलब इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो जानना चाहते हैं क्या सिग्निफिकेंस, ये जो बायोडाइवर्सिटी है क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी है कि जस्ट ऐसे ही है अर्थ पे, क्या अगर ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाए या बिगड़ जाए तो क्या उसके कुछ परिणाम होंगे गलत, वो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर देयर आर सो मेनी स्पीसीज, यहां पर इतनी सारी स्पीसीज क्यों है, क्यों है अर्थ पे, कहीं और क्यों नहीं है, ठीक है, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, क्या इतनी डाइवर्सिटी अर्थ की हिस्ट्री में शुरू से थी। तो ऑब्वियसली बात है, अब हम लोग काफी हद तक जानते हैं, इवोल्यूशन वगैरह पढ़ चुके हैं, शुरू से ऐसा नहीं था, ठीक है। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, ये इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आई कैसे, हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू बायोस्फेयर, ये बायोस्फेयर के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ डाइवर्सिटी वॉज मच लेस, क्या ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करता हमारे आसपास का इलाका अगर डाइवर्सिटी इससे बहुत कम होती, हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, और ह्यूमंस किस तरीके से बेनिफिट होता है, ह्यूमंस को किस तरह से बेनिफिट होता है इस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से। तो काफी सारे क्वेश्चन, अगर तुम गौर से देखो तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कभी सोचा तुम लोगों ने कि अगर इतनी डाइवर्सिटी ना होती तो क्या होता, ठीक है ना, क्या ये इतनी डाइवर्सिटी वाकई में जरूरी है इस बायोस्फेयर के लिए।
तो तमाम काफी अच्छे क्वेश्चन है, अगर गौर से एनालाइज करोगे तो मजा आएगा। ओके आगे देखते हैं। अब हेडिंग स्टार्ट होगी हमारी बायोडाइवर्सिटी। तो कह रहा है इन अवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, और हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी मतलब भिन्न अलग अलग प्रकार के जो जीन्स पाए जा रहे हैं, है ना, हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट नॉट एंड ओनली एट स्पीसीज लेवल बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम, ठीक है ना। तो कह रहा है ये सिर्फ स्पीसीज जो ये डाइवर्सिटी है ना या हेट्रोजेनिटी है, डाइवर्सिटी की वजह कौन है, जीन्स है, तो हेट्रोजेनिटी जो है एग्जिस्ट करती है सिर्फ स्पीसीज लेवल पर ही नहीं बट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जहां जहां पे बायोलॉजिकल का जो ऑर्गेनाइजेशन है बायोलॉजिकल, ठीक है, हर जगह ये डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलेगी। रेंज फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड, वहां से लेकर के विद इन सेल्स टू बायोम्स, बायोम्स पता है पढ़ चुके हम लोग लास्ट लेक्चर में बायोम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बायोम्स क्या होते हैं, जैसे कि पूरा पूरा क्या है, एक समुंदर, वो एक क्या है, बायोम है, ठीक है। एक बड़ा सा डेजर्ट क्या है अपने आप में, एक बायोम है, मतलब इकोसिस्टम, एक बड़ा सा इकोसिस्टम क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर के बायोम तक ये रेंज जो ये इमेंस डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, ठीक है ना। तो सबसे जो इस टर्म को पॉपुलराइज किया बायोडाइवर्सिटी को किसने किया था, एडवर्ड विल्सन ने, ये नोट कर लोगे। टू डिस्क्राइब था, कब किया, कैसे किया, ये डिस्क्राइब कर रहे थे, क्या डिस्क्राइब कर रहे थे, ये डिस्क्राइब कर रहे थे कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तुम लोगों को बार बार टर्म क्या है थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, तो आओ देखो ये है क्या चीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है डाइवर्सिटी के, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी हम लोग देखने को मिलती है या हम लोग जो यहाँ डिस्कस करेंगे, होती कई तरीके की हैं, हम अपनी एनसीईआरटी में आई थिंक तीन टाइप की डाइवर्सिटी को डिस्कस करने वाले हैं। एक डाइवर्सिटी है जेनेटिक डाइवर्सिटी, देन स्पीसीज डाइवर्सिटी, देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इनको जब ये डिस्क्राइब कर रहे थे तब ये बायोडाइवर्सिटी टर्म बार बार आ रहा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी अपने आप में समझ में आता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीन्स, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बैक्टीरिया वायरस सब में अलग अलग टाइप के जीन्स हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी अवेलेबल है। अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, एक सिंगल स्पीसीज भी क्या कर सकती है, हाई डाइवर्सिटी शो कर सकती है, कैसे, जैसे मैं बोलूँ चाइनीज नीग्रोस अमेरिकन इंडियंस, इनको अगर ले लिया जाए तो सबके जीन्स में कुछ ना कुछ अंतर मिलने वाला है। क्यों अंतर मिलेगा, चाइनीज की हाइट थोड़ी कम रहती है, नीग्रोज में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है जीन्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क मिलने वाला है। तो यहां पे भी हमको क्या मिलने वाली है, हाई डाइवर्सिटी है एट अ जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज मतलब जहां जहां पर हम लोग ह्यूमंस क्या है फैले हुए हैं, तो हर एक रेंज में हमारे साउदर्न साइड में जो इंडियंस हैं उनके जीन्स में कुछ अलग बातें पाई जा सकती हैं, नॉर्दर्न साइड में जो इंडियंस हैं उनके जीन्स में थोड़ी अलग बातें हो सकती हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, उसके हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है उसके हिसाब से उनके जीन्स में डाइवर्सिटी मिल सकती है, भिन्नता मिल सकती है। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट, अब देखो यहां बता रहा है, उदाहरण लिया इसने प्लांट का यहां पर, रावोल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है, रावोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस, हिमालयन रेंज है ना, जैसे मान लो ये हिमालय है, कोई यहाँ पे ग्रो कर रहा है, कोई यहाँ ग्रो कर रहा है, कोई यहाँ ग्रो कर रहा है ना, कोई यहाँ यहाँ यहाँ, अलग अलग इनकी रेंज अलग अलग है, अलग अलग रेंज पे ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग रेंज पे ग्रो करने की वजह से अलग अलग टेम्परेचर, ऊपर बहुत ठंडा होगा, यहाँ कम ठंडा होगा, नीचे और कम ठंडा होगा, टेम्परेचर प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा, तो इसकी वजह से इनके अंदर क्या है एक खास केमिकल पाया जाता है, और वो केमिकल क्या है, रेसरपीन, ठीक है। ये जो केमिकल है, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग रेंज में क्या होता है, इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग होता है, ठीक। आगे आते हैं, डेट द प्लांट प्रोड्यूसेस, ठीक है, तो क्या कह रहा है, रावोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन द डिफरेंट हिमालयन रेंजेस माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी, जो है ना पोटेंसी है, जो केमिकल की क्षमता उसके अंदर पाई जाएगी, पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन, है ना, कितना अमाउंट में पर 100 ग्राम अगर इसके पत्ते लें हम लोग या इस प्लांट का पार्ट लें तो कितना रेसरपीन निकलेगा ऑफ एक्टिव केमिकल रेसरपीन दैट द प्लांट प्रोड्यूस। तो इसका जो पोटेंसी है, उसके पोटेंसी मतलब काम करने की जो क्षमता है या जो कंसंट्रेशन है, वो क्या होगा, अलग अलग पाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ बात करें तो क्या कह रहा है,
इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, 50,000 से ज्यादा राइस के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के राइस पाई जाती है, एंड थाउजेंड वैरायटी ऑफ मैंगो, करीब 1,000 वैरायटी किसकी पाई जाती है, मैंगो की पाई जाती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल। स्पीसीज लेवल पे जो हमको क्या मिलने वाली, ये तो होगी जेनेटिक लेवल पे बात कर ली हमने, ठीक है, कि जीन्स की वजह से, जैसे कि इसका एग्जांपल लिया हमने कि जीन्स की थोड़ी सी डिफरेंस होने की वजह से रेसरपिन नाम का केमिकल अलग अलग कंसेंट्रेशन में और अलग अलग क्षमता का पाया जाता है। स्पीसीज लेवल पे बात करें, एट द स्पीसीज लेवल फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियंस, जो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, ज्योग्राफी स्ट्रांग है कि नहीं है, वेस्टर्न घाट्स पता ना क्या होते हैं, तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पर जो एम्फीबियंस हैं उनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है देन द ईस्टर्न घाट्स। तो यानी कि स्पीसीज की हम लोग बात करें जहां डेजर्ट रेगिस्तान होता है, उदाहरण के तौर पर लें अगर हम लोग, तो वहां पर स्पीसीज की डाइवर्सिटी है ना बहुत गिने चुने जानवर पाए जाते हैं, वहीं अगर हम जंगल चले जाएं तो बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी की बात हो गई, सिंपल है, कुछ है नहीं खास। तो हमको समझना क्या है कि एनसीईआरटी ने वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन का जिक्र किया है, तो क्वेश्चन यही आएगा, डेजर्ट और फॉरेस्ट का नहीं आएगा, वो समझने के लिए अच्छा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें? नाउ द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये क्या होता है, एट इकोसिस्टम लेवल, यानी कि इकोसिस्टम पता है ना, ऑर्गेनिज्म का खुद से और नॉन लिविंग थिंग से इंटरेक्शन, उस लेवल की अगर हम बात करें, इंडिया फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर अगर इंडिया की बात करें, विद इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्टुरीज एंड अल्पाइंस, देख रहे हो, डेजर्ट एक अलग टाइप का इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट एक अलग इकोसिस्टम है, मैंग्रोव्स एक अलग इकोसिस्टम है, कोरल रीफ एक अलग इकोसिस्टम है, वेटलैंड्स एक अलग इकोसिस्टम है, एस्टुरीज एक अलग इकोसिस्टम है, अल्पाइन मेडोस एक अलग इकोसिस्टम है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब टर्म्स तुमको पता होंगे और तुमने इसके, अगर मैं कह रहा हूं रियल में नहीं देखे होंगे तो एटलीस्ट पिक देख रखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ, वेटलैंड ये सब तो देख ही रखा होगा, वीडियो पॉज करके इनकी पिक देख सकते हो गूगल पे जाकर के, जिससे कि ये टर्म क्लियर हो जाए। अदरवाइज सिर्फ याद रखो, जिस तरह से डेजर्ट होता है वहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, रेन फॉरेस्ट में पौधे बहुत ज़्यादा होंगे, इसी टाइप से ये अलग अलग क्या है, इकोसिस्टम से के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, हैज ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब देखो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ सिर्फ जंगली जंगल हैं या फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट हैं या मैंग्रोव्स ही मैंग्रोव्स हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ पाई जाती है इंडिया में, ऐसा हर कंट्री में नहीं है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ इकोसिस्टम की भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, कहीं पे बारिश बहुत हो रही है किसी इकोसिस्टम में, समुद्र सी वाला इलाका भी है हमारे पास, डेजर्ट भी है हमारे पास, डेजर्ट एक अलग इकोसिस्टम है, तो ये हो गया क्या, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। कह रहा हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, अब उसने उदाहरण भी दिया नॉर्वे से, ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, नॉर्वे के नॉर्वे से कंपेयर करवा रहा है कि उसके कंपेरिजन देखा जाए तो अपनी कंट्री में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्या पाए जाते हैं, इकोसिस्टम पाए जाते हैं। क्लियर है बातें? तो जेनेटिक लेवल पे बात की तो अलग अलग ये मिल रहे हैं हमको केमिकल, इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात की तो हमने एम्फीबियंस की बात की कि यहाँ पर एम्फीबियंस की वैरायटी ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पर कम पाई जाती है। इकोलॉजी की बात की, इकोसिस्टम की बात की, तो कुछ कंट्रीज में, यहाँ कंट्री वाइज बात चलेगी फिर इकोसिस्टम की जब बात करें, कुछ कंट्री में बहुत ज़्यादा है और कुछ कंट्री में बहुत कम या इक्का दुक्का टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। बात समझ में आई? तो देखो ये चैप्टर कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, बाद बाकी सब आसान है। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर लग गए इवोल्यूशन में टू एक्युमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। नेचर में इतनी डाइवर्सिटी इकट्ठा होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग गए हैं, बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरीज। हमने ये सब खो दिया है लगभग, या खो रहे हैं ये लगभग 2 सेंचुरी, इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लूजेस, सॉरी हम ये सब खो देंगे, क्या कह रहा है, बट वी कुड, हम लोग खो सकते हैं, वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी, आने वाले 200 साल के अंदर हम ये सब खो सकते हैं अगर इसी रेट से स्पीसीज का लॉस चलता रहा, है ना, हम लोग शिकार कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जंगल काटने की वजह से बहुत सी प्रजातियां खत्म हो रही हैं, अगर इसी रफ्तार से चीजें चलती रही तो अगले 200 सालों में हम क्या कर देंगे, ये सब खो देंगे। चलो आगे क्या बोल रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड
इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू। अब आज की डेट में बायोडायवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन, उसको बचाना, कंजर्व करना मतलब उसको बचाना, लिख लो, बार बार नहीं बोलूंगा, कंजर्वेशन का मतलब उसको बचाना है हमें, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी कि जंगल नहीं काटने हैं, जानवरों को नहीं मारना, ये सब क्यों रूल रेगुलेशंस आ रहे हैं, ताकि डाइवर्सिटी हमारी मेंटेन रहे। इसकी अहमियत आम इंसान नहीं समझता, उसको इसकी अहमियत नहीं पता है, ठीक है ना। ठीक है, तो बात कर लें अगर, तो कह रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज। आज की डेट में ये बहुत ज्यादा वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, इंटरनेशनल कंसर्न है यानी कि पूरी दुनिया के लिए। एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर अवर सर्वाइवल एंड वेलबींग इन दिस प्लेनेट। बहुत से लोगों को अब धीरे धीरे की नॉलेज हो रही है, अगर बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो गया या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इस प्लैनेट पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें कमी होंगी, कहीं ऑक्सीजन की कमी होगी या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ नुकसान करेंगी और आने वाले टाइम पे हो सकता है हम इस प्लैनेट पे सर्वाइव ना कर पाएं। तो ये जनरल बातें कर रहा है, यहाँ से कुछ खास पॉइंट नहीं है इस पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रेसिपिन वाला एक खास है, राव वेलफेयर ओमेटेरिया, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट वाला आ गया। यहाँ पे हमारे इंडिया में कितनी वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, कंपेयर किया गया है नॉर्वे से, तो ये एक नॉर्मल बात कर दी। अब वो क्वेश्चन, अब वो क्या टॉपिक उठा रहा है, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, कह रहा है इस हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ, अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं एंड हाउ मेनी इन इंडिया, और इंडिया में कितनी है। तो आओ देखें, यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, तो ये कुछ समझने वाली चीज नहीं है, जस्ट डाटा है, आओ देखें, एक बार रीड करते हैं इसको। सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, कह रहा है कि सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड पब्लिश किए गए हैं ऑफ ऑल द स्पीसीज, जितनी स्पीसीज अभी तक खोजी गई हैं, डिस्कवर्ड है ना, एंड नेम, उनके नाम भी दिए गए हैं, वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड, हमको पता है कितनी स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं अब तक सो फार, बट इट इज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये आसान नहीं है इस क्वेश्चन का जवाब देना, ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ, क्योंकि आज की तारीख में भी हर साल बहुत सी नई स्पीसीज खोजी जाती हैं, यानी कि अभी भी बहुत सी स्पीसीज के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसका फुल फॉर्म आ सकता है तो इसको नोट कर लेंगे, एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004, डाटा कब का है, 2004 का, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, जो टोटल डिस्क्राइब किए गए वो लगभग कितने हैं, 1.5 मिलियन से ज्यादा है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया अबाउट हाउ मेनी स्पीसीज, सोचो 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं अभी तक जो ढूंढ ली गई हैं, ठीक है, और कह रहा है वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी तक कितनी और स्पीसीज ढूंढी जाना बाकी है हमको नहीं पता, एंड डिस्क्राइब कितना ढूंढा जाना है और कितना को डिस्क्राइब करना है, एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गैसेज, एस्टिमेट बहुत मतलब है ना, हर कोई अपना अलग अलग एस्टिमेट लगाता है कि शायद इतनी मिलेंगी शायद इतनी मिलेंगी, और गैस चलता रहता है एजुकेटेड लोगों के बीच में कि शायद इतना होगा ऐसा होगा, ठीक है, आगे आते हैं। फॉर मैनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, देखो क्या कह रहा है, फॉर मैनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, अच्छा टेम्परेट और ट्रॉपिकल कंट्रीज क्या होती हैं, क्या तुम लोग को आइडिया है टेम्परेट और ट्रॉपिकल कंट्रीज क्या होती हैं, क्या पता है तुम लोगों को ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या होते हैं, चलो दिखा देते हैं तुम लोगों को कि क्या होते हैं। तो ये देखो, अगर एक ग्लोब को इस तरह हम देखें तो जो लाइन बीचा बीच से जाती है, ठीक है, जो लाइनें बीचा बीच में है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर, ये तो पता होगा कम से कम, जो ऊपर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल है ना, ऊपर पोल्स होते हैं, और ये लाइन क्या होती है, इक्वेटर, जो बीचा बीच से अर्थ को काटती है, ऐसे अर्थ को गोल मान लें तो ये लाइन ऐसे चारों तरफ से सर्कल में मान लो तो कौन सी लाइन होगी, ये इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर नीचे यानी कि इक्वेटर से याला हिस्सा, इससे जस्ट जुड़ा हुआ हिस्सा, एक एरिया ले लेंगे, इतनी चौड़ी पट्टी अर्थ के बीच में ऐसे चारों तरफ लेके जाओ तो क्या आ गया, ट्रॉपिकल रीजन आ गया, उसके ऊपर, ठीक है ना, जो रीजन आता है वो होता है टेम्परेट, और उसके ऊपर आता है पोलर जोन, जहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है या ठंड रहती है। तो अब देखो जरा, यहां से तुमको एक चीज समझ में आएगी, टेम्परेट और ट्रॉपिकल, हमारी जो कंट्री इंडिया है ये दिखाई दे रही है, ये कुछ ऐसी है,
ठीक है ना, जो हमारी कंट्री है इंडिया है, ये कुछ टेम्परेट जोन में आ रही है और कुछ ट्रॉपिकल जोन में आ रही है, और यही वजह है कि जो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्लस एक तो हमारी कंट्री चारों तरफ से क्या है, समुद्र भी, तीन साइड से सी ने भी इसको घेरा हुआ है, तो हमारी कंट्री में जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, उसकी लोकेशन बहुत मायने रखती है। बात समझ में आ गया, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। तो हम कह सकते हैं जो पोल के पास पाए जाएंगे तो यहाँ थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, यहाँ थोड़ा ट्रॉपिकल के पास टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि इक्वेटर यहाँ पे सीधी धूप पड़ती है। क्लियर है? आओ अब देख लें फिर से क्या बोल रहा है ये। फॉर मैनी टैक्सोनोमिस्ट ग्रुप स्पीसीज इन्वेंट्रीज, स्पीसीज इन्वेंट्री ये वर्ड को लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्पीसी इन्वेंट्री का मतलब होता है सर्च ऑफ स्पीसीज, किसी स्पीसीज की खोजबीन एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी है, मतलब एक तरह से कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी हमको देखनी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, किस किस प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, तो स्पीसीज इन्वेंट्रीज कहलाती हैं। ओके, आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल। तो कह रहा है टेम्परेट में ज़्यादा कंप्लीट है, टेम्परेट जोन में ज़्यादा कंप्लीट है देन इन ट्रॉपिकल। यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है और यहाँ थोड़ा क्या है बीच का असर आ जाता है, गर्मी सर्दी वाला, मतलब बीच का टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं, ऐसे इलाकों में प्लस बारिश अच्छी खासी होगी, तो ऐसे इलाकों में क्या होगा, डाइवर्सिटी मोर कंप्लीट, यानी कि लगभग लगभग डाइवर्सिटी हमारी कंप्लीट है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये लाइन को मार्क कर लेना, क्वेश्चन है कि कंप्लीट कहाँ गया, स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट कहाँ पर, टेम्परेट में कि ट्रॉपिकल में, कौन सी कंट्रीज में ये कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। यहां से आगे आते हैं, कंसीडरिंग दैट एन ओवरवेमिंगली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, माना जाता है कि ओवरवेमिंग मतलब बहुत ज्यादा, एक तरह से एकदम बह जाने वाला, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, अभी भी डिस्कवर्ड होना उनका बाकी है, आर इन ट्रॉपिक्स, और ये कहां पर है, ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट में नहीं है। बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस ऑफ एन एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड एक्सट्रापोलेट दिस रेशियो टू अदर ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू कम अप विद अ ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। अब ये क्या कर रहे हैं, समझो लाइन पूरी, एक बोल दी उन्होंने, बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन, स्टैटिस्टिकल मतलब मैथमेटिकल कंपैरिजन करते हैं ऑफ द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल स्पीसीज, जो टेम्परेट में पाई गई जो ट्रॉपिकल में पाई गई उनका एक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन किसको लेकर के, उनकी रिचनेस को लेकर, कौन कहां पर कितना ज्यादा है, ऑफ एन एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिवली मतलब एकदम जी जान लगा के स्टडी करना, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट एंड एक्सट्रापोलेट दिस रेशियो, और इस रेशियो को एक्सट्रापोलेट करना, एक्सप्लेन करना टू अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट से क्या करना है, एक्सट्रापोलेट करना मतलब उसको स्टडी करेंगे टू कम अप विद अ ग्रॉस रेंज फ्रॉम 20 to 50 million। तो हम लोगों ने क्या आइडिया लगाया कि जो इंसेक्ट का है, ठीक है, जो इंसेक्ट का ग्रुप है वो लगभग कितना है, 20 to 50 million, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 million, ठीक है ना, बट एक कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट, ठीक है ना, तो सबका एक अलग अलग क्या है आइडिया है, ठीक है, इन्होंने कितना का 7 million का, हमने अभी तक ढूंढी कितनी है 1.5 million ढूंढी है, ठीक है ना, कोई 20 to 50 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, तो सबका क्या चल रहा है, अपना अलग अलग रेशो चल रहा है। तो एक डाटा है यहाँ पर, तो ये याद रख लेंगे रॉबर्ट ने क्या कहा था, 7 million के बारे में जिक्र किया था। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। अब कह रहा है लुक, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी, कुछ अर्थ की बायोडाइवर्सिटी के हम एस्पेक्ट्स देखते हैं, समझते हैं, बेस्ड ऑन द करंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंट्री, जो स्पीसीज इन्वेंट्री, देखो फिर टर्म आ गया, स्पीसीज इन्वेंट्री मतलब जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। तो कह रहा है मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, 70% लगभग क्या है एनिमल है, वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग आल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंप्राइज नो मोर देन 22%, जितनी भी स्पीसीज मौजूद है 70% उसमें क्या है लगभग लगभग एनिमल है, और जो प्लांट्स वाली कैटेगरी है उसमें केवल 22% के लगभग है। क्लियर है बातें, अमॉन्ग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज, एनिमल्स की बात की जाए तो इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप,
सबसे ज्यादा स्पीसीज किसमें पाई जाती है, इंसेक्ट पाई जाती है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल, ये लगभग टोटल का कितना है 70% है। डेट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट, हर 10 एनिमल्स में 7 क्या है इंसेक्ट है। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, हम ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं इतना डाइवर्सिफिकेशन। तो कह रहा है द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल। अच्छा एक बात उसने खत्म कर दी, देखो थोड़ा सा बायो का चीज ध्यान रखना एनसीईआरटी में, एक बात बोल के एक बात खत्म कर देता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज। तो बड़ा अजीब तरीके से बात कर रही है ना, मतलब द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड, फंगाई की जो स्पीसीज है वर्ल्ड में, इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ द फिशेज। फिशेज की सारी कंबाइंड टोटल स्पीसीज कर ले उसका दुगना फिश, अच्छा फिशेज एम्बिवियन कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ, एक मिनट, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिशेज एम्फीवियंस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इससे भी ज्यादा है, ठीक है। इन सबको कंबाइंड कर लेंगे तो फंगी की स्पीसीज जो है वो इससे ज्यादा है। इन फिगर 15.1 बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग द स्पीसीज नंबर ऑफ मेजर टैक्सा, एक लगभग डाटा दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कुछ नहीं है, एक आइडिया ले रहा है यहाँ पर, जो अभी तक हम लोगों ने आइडिया सोचा है बायोलॉजिस्ट ने टैक्सोनॉमिस्ट ने, तो एक डाटा दे रखा है कौन किसका 70% है, कौन किससे कम या ज्यादा है। तो कुछ नहीं करोगे, यहाँ साइड में डाटा निकाल के लिख लोगे, फंजाई इन सब के कॉम्बिनेशन से ज्यादा है, ठीक है ना, इंसेक्ट हर 10 में 7 इंसेक्ट होते हैं, या वो टोटल का 70% है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये डायग्राम काफ़ी बार आ चुका है ना, इवन बोर्ड में भी और अपना नीट में भी। तो देख ले जरा, इनवर्टिब्रेट्स पता ही है जिनके बैकबोन्स नहीं होंगे, वर्टिब्रेट्स जिनके बैकबोन पाए जाएंगे, और प्लांट्स, तो ये तुम पढ़ के जाओगे अच्छे से, क्वेश्चन कई बार आता है ए बी सी और डी करके दे देगा, बोलेगा पहचानो ए बी सी डी क्या है। तो यहाँ पे तुम लोग को याद रखना है, देखो इंसेक्ट का ग्रुप लगभग कितना ज़्यादा है, देन उसके बाद कौन है अदर एनिमल ग्रुप, क्रस्टेशियन सबसे कम रहेगा इंसेक्ट्स उसमें, ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट्स में क्रस्टेशियन सबसे कम है, देन मोलस्क, और फिर है अदर एनिमल्स। वर्टिब्रेट्स की बात की जाए सबसे ज़्यादा फिशेस हैं, कई बार ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, अरेंज द वर्टिब्रेट्स इन अकॉर्डिंग देयर पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा कौन है फिशेस। उसके बाद बात करें तो बर्ड्स, फिर कौन दिख रहा है रेप्टाइल्स, और एम्फीबियंस और मैमल्स लगभग ऑलमोस्ट सेम सेम दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ तो साफ साफ दिखाई रहा है हमको। प्लांट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन नजर आ रहा है, ठीक है ना, लगभग बराबर जैसे लग रहे हैं, लेकिन फंजाई थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ऊपर वो बोल चुका है, ठीक है। देन एंजियोस्पर्म आ जाएंगे, उसके बाद एल्गी आ जाएगा, एल्गी के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर मॉसेस है, और फर्न्स एंड लाइकेंस लगभग लगभग थोड़े थोड़े बराबर जैसे लग रहे हैं, बल्कि लाइकेंस थोड़ा पतला ही है तो लाइकेंस थोड़े से कम है। तो एक डाटा नोट कर लेंगे यहाँ पे, सबसे ज्यादा ऐसे लिखना फंजाई है, फिर एंजियोस्पर्म है, फिर कौन आ जाएगा अलगी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से एक डाटा नोट कर लेंगे इसको और याद कर लेना, डाटा है, फिर कह रहा हूँ ये चैप्टर में डाटा काफ़ी है और समझना कम है। अब कह रहा है इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई भी बात नहीं बोलता है, मार्क करेंगे इस बात को, ठीक है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर माइट बी, कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हैं उसके बारे में बायोलॉजिस्ट को कोई आइडिया नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज, जो माइक्रोबियल स्पीसीज है ना प्रोकैरियोट्स में कौन पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जो हम तरीके, जो कन्वेंशनल तरीके हैं टैक्सोनॉमिक मेथड हैं ढूंढने के, समझने के, जांचने के, वो माइक्रोब्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। एंड मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी, बहुत सी प्रजातियां हम लोग लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिलीनिएटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी अलॉन्ग माइट रन इन टू मिलियंस, अगर हम ये सब डाटा थोड़ा सा लेके चलते हैं तो मिलियंस में है। तो यहाँ से एक चीज नोट कर लेना कि प्रोकैरियोट्स के बारे में सारी बात करें, प्रोकैरियोट्स का डाटा एग्जैक्टली नहीं ढूंढ सकते हैं। क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं, वो जो मेथड अपनाते हैं वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि चार वो दे देगा कि बताओ कि जो बायोडाइवर्सिटी का एस्टिमेशन है वो किसके ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा फंजाई, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बैक्टीरिया, अब तुम लोग भटक गए फिर कि अच्छा हाँ बैक्टीरिया पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, क्लियर है बातें, चलें आगे। ओके आगे देखिए हम लोग जरा क्या कह रहे हैं, ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया,
भारत के पास टोटल लैंड एरिया का देखा जाए तो केवल 2.4% है। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इंप्रेसिव 8.1%। लैंड इतना है लेकिन जो डाइवर्सिटी का परसेंट है वो लगभग 8.1% है टोटल डाइवर्सिटी का केवल इंडिया में। डेट इज वट मेक अवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। ये डाटा नोट करेंगे, जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, 12 के अंदर हमारा इंडिया भी आता है। टोटल डाइवर्सिटी का 8.1% हमारी इंडिया में है। इंडिया का टोटल लैंड कितना है? 2.4% है। डाटा है बच्चों ये, ठीक है ना, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, क्वेश्चन कैसे उठ के आ जाएगा एंड नीट में कुछ नहीं पता हमको, तो ये डाटा नोट करके चल रहा है। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। लगभग 45,000 स्पीसीज प्लांट एंड ट्वाइस, यानी कि लगभग 90,000 एनिमल्स की इंडिया से रिकॉर्ड की गई है। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड? हाउ मेनी, कितनी एक्चुअली वेट कर रही हैं कि और ढूंढी जाएंगी? नहीं पता। इफ यू एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। ये देखो किसका डाटा है, ये मेज ग्लोबल एस्टिमेट, ठीक है ना, उनके हिसाब से अभी तक टोटल डाइवर्सिटी का हमने केवल 22% ही खोजा है। कितना खोजा है? 22%। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर वी एस्टिमेट दैट, अगर हम इसको लगाएं इंडिया के ऊपर, तो वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। तो यहां पे क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि इंडिया में लगभग 45,000 प्लांट और लगभग उसके दुगने ही कौन पाए जा रहे हैं? एनिमल पाए जा रहे हैं। फिर उसने क्वेश्चन किया, एक डाटा दिया, फिर उसने क्वेश्चन किया कि कितने अभी तक ढूंढे जाने बाकी हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर वो मे ग्लोबल एस्टिमेट से देना चाहता है, कह रहा है मे ग्लोबल के हिसाब से 22% ही अभी तक खोज हुई है। तो उसके हिसाब से जो 45 को अगर 22% मान लिया जाए तो आगे कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। बात समझ में आ रही है? और डिस्क्राइब करने बाकी हैं, ठीक है। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर कंट्री? क्या हम कभी भी सक्षम हो पाएंगे पूरी डाइवर्सिटी हम लोग खोज पाएं? तो ऑब्वियसली बात है संभव नहीं है। तो लेकिन आओ देखें जरा एनसीईआरटी क्या कह रही है। कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मेन पावर टैक्सोनॉमिस्ट। मेन पावर यहाँ पे कौन है? लेबर नहीं, जो ढूंढते हैं उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट, जो इसको काम करते हैं। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब द सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस। आगे वाली बात, होपलेस हम सबको ढूंढना पॉसिबल नहीं है। व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेस द थ्रेट टू बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। ठीक है नहीं ढूंढ पाएंगे वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन कई तो प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हमने ढूंढा ही नहीं है और हमारे ढूंढने से पहले ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो मर जाएंगी, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, इस अर्थ से खत्म हो जाएंगी, तब तो समस्या खड़ी होगी भाई, है ना। कई सारी प्रजातियों के फॉसिल फ्यूल मिलते हैं जो कभी अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब नहीं है। तो ये एक होपलेस, मतलब इसलिए दिक्कत है। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक स्टॉक देयर। देखो कितने, मतलब एक कहते हैं बात हो रही है नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, एक कहते हैं शायराना अंदाज में, कुदरत की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है इज बर्निंग, जल रही है या जल जाएगी, इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स। कैटलॉग मतलब कैटेगराइज करना, इससे पहले कि हम कैटेगराइज करें, टाइटल दें ऑफ ऑल द बुक्स, उन सारी किताबों को जो कि वहां पर रखी हुई है, स्टॉक है नेचर की लाइब्रेरी में। तो देखो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना जरा, क्वेश्चन आ सकता है कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। इसका मतलब क्या है, है ना, किताबों की बात करके एक्चुअल में किसकी बात करना चाह रहा है? वो डाइवर्सिटी की बात करना चाह रहा है ना, है मजेदार एनसीईआरटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है नेचर के पास इतनी सारी किताबें हैं, यानी कि इतनी ज्यादा स्पीसीज हैं जो शायद हम जब तक सबको ढूंढें और उनके नामकरण करेंगे उससे पहले हम उनको क्या कर देंगे, शायद जला देंगे। जला देंगे इन द सेंस हमारी ह्यूमन एक्टिविटी उनको एक्सटिंक्ट कर देगी, खत्म कर देगी। क्लियर है? नाउ पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं लैटिट्यूड ग्रेडियंट और एक आता है अपने पास एल्टीट्यूड। तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड क्या, ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो आओ एक हम लोग डायग्राम देखते हैं और फिर इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलो पिक्चर देख लें इसकी, समझ लें लैटिट्यूड क्या होते हैं और लैटिट्यूड ग्रेडियंट क्या होता है। तो देखो जरा,
इस तरह से पढ़ा होगा बचपन में, एटलस वगैरह किताबें ज्योग्राफी में समझा होगा। हमने क्या कर दिया, पूरी अर्थ को कुछ लाइंस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। जो बिल्कुल एक लाइन बीचा बीच से जाएगी वो तो इक्वेटर होती है, और ठीक है ना, तो इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और इन लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब हमने क्या किया, जो बिल्कुल इक्वेटर पोल और यहाँ पर जो बिल्कुल परपेंडिकुलर कट करेगी इसको बोलते हैं 0 डिग्री, समझना बात को। अब अगर तुम यहाँ से बिल्कुल राइट खिसकते हो, तुम यहाँ पर आ गए, तो मैं क्या बोलूँगा, तुम 10 डिग्री ईस्ट में हो, यहाँ की लोकेशन से हो 10 डिग्री ईस्ट में। यही सारे पॉइंट ना, एक एक पॉइंट देखा इससे डाटा, 40 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, एग्जैक्ट लोकेशन जो हमारा गूगल पे आता है डाटा वाइज, यार 30 डिग्री कुछ मिनट और कुछ सेकंड वाला भी बात आती है। अगर मान लो कि यहाँ कहीं है या यहाँ कहीं है, तो मिनट और सेकंड में भी कहानी चलती है, थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम किसी को लोकेशन देते हो ना, तो यानी कि हमारी गूगल जो लोकेशन लेता है हमारी, वो ऐसे लेता है 40 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, तो एग्जैक्ट तुम यहाँ खड़े हो, यानी कि मैं इस समय जिस लोकेशन में खड़ा हूँ वो एग्जैक्ट लोकेशन मेरी गूगल बता सकता है इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गया? तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का क्या मतलब है, हमने पूरी अर्थ के एक एक पॉइंट को स्पॉट कर दिया है, लोकेशन दे दी हर एक पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो यहां चलेंगे तो ईस्ट, ऊपर चलेंगे तो नॉर्थ, इधर चलेंगे तो वेस्ट, ठीक है ना। ऊपर जाएंगे नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है ना। अगर मैं तुम बोल रहे हो 40 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री वेस्ट, तो इसका मतलब ये हो गया तुम नॉर्थ में कितना चल गए 40 डिग्री, यानी कि यहां जाओ, जैसे ग्राफ करते हैं ना हम लोग, ठीक है। वेस्ट में कितना है 30 डिग्री, तो वेस्ट आ जाओ 30 डिग्री। अब इन दो जैसे ग्राफ में हम लोग इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, देखो इस टाइप से, तो पहुंच गया पॉइंट। अब एक टर्म हमारा लैटिट्यूड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। तो जैसे 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 लैटिट्यूड है, तुम यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है लैटिट्यूड का, इसकी वजह से अभी हमने देखा था क्या था, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, टेम्परेचर और क्या होता है एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट में चेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं, इन सब की वजह से क्या होता है डाइवर्सिटी में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी की बातें थी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, चलें आगे। ओके आगे आते हैं, तो क्या कह रहा है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो बात समझ में आ गई, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट किसे कहा जाता है, कह रहा है द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑब्वियसली बात है डाइवर्सिटी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है प्लांट और एनिमल की थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट शोज अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि ये अनइवन कहीं कम कहीं ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। फॉर मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट, कई सारे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो क्या इंटरेस्टिंग है, द मोस्ट वेल नोन बींग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो हम लोग सबसे ज्यादा कहां देखते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बच्चों को समझ में नहीं आती बातें, अब बात समझ में आ गई होगी किस तरह से लैटिट्यूड में डिफरेंस आने की वजह से डाइवर्सिटी में डिफरेंट आता है, तो उसी को कहा जाता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। लैटिट्यूड में डिफरेंस आया डाइवर्सिटी में आ गया, ठीक है ना। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज, ये नोट कर लेना, डिक्रीज एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ठीक है ना। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे डाइवर्सिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, मार्क करेंगे इस बात को। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है, ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज तेरा 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ। अब पहचान सकते हो 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ, यानी कि ये दोनों जगह जा रहा हो, नॉर्थ में भी जा रहा है और साउथ में भी जा रहा है, ये नॉर्थ और साउथ 25 डिग्री समथिंग यहाँ पर आ जाए और 25 डिग्री समथिंग यहाँ पर आ जाए, ये जो पॉइंट है मैंने कहा ना ये पूरा पॉइंट चलता चला जाएगा, पूरी अर्थ को हम ऐसे करके कवर कर लें अगर, क्लियर है, ठीक है। तो कह रहा है हार्बर विद फ्यू स्पीसीज, यानी कि 25 डिग्री साउथ एंड 25 डिग्री नॉर्थ, ये लाइनें बच्चों को समझ में नहीं आती, बच्चों अब ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, यानी कि तुम अर्थ की इस पट्टी को ऐसे पूरा गोल लेके चल दें हम लोग, है ना। तो यहां पर साफ साफ कह रहा है कि हार्बर, हार्बर मतलब पालता है या होते हैं मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। टेम्परेट और पोलर एरिया के कंपैरिजन में इस रीजन में, ये ट्रॉपिकल रीजन है ना ये, यहां पर ज्यादा स्पीसीज होते हैं, बात समझ में आ गई। तो दो बातें यहां से लिख लोगे, एक ये लिख सकते हो ऊपर गए नीचे गए कितना 23.5 और 23.5। दूसरा डाटा क्या हो जाएगा यहां पर, ये रीजन कौन सा है अगर गौर से देखें, ये रीजन मेरे पास ट्रॉपिकल और रीजन क्या है ट्रॉपिकल, इसके बाद कौन सा स्टार्ट हो जाता है टेम्परेट और टेम्परेट,
और फिर कौन सा आ जाएगा, पोल आ जाएगा और पोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी है कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। ओके, अब कह रहा है कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर। अब देखो अभी ये देखना सीख गए हो, चाहो तो जो पीछे पिक है उसकी स्क्रीनशॉट ले लो या अपना मोबाइल से कोई पिक डाउनलोड कर लो, जैसे मैंने दिखाने के लिए एक पिक दिखाई तुम लोगों को, ठीक है। अब आइडिया लेते जाना उससे। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, कोलंबिया इक्वेटर के पास में पाया जाता है, हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ, 41 डिग्री यहां से 41 डिग्री नॉर्थ यहां चला गया, केवल 105 स्पीसीज। अभी एग्जांपल हो रहा है कि इक्वेटर के पास यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज्यादा है और पोल के पास जाते जाते डाइवर्सिटी डिक्रीज कर रही है। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ ओनली 56 स्पीसीज, नॉर्थ में 71 डिग्री है जाकर के, तो केवल है 56 स्पीसीज है। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, अभी मैंने दिखाया था इंडिया में ज्यादातर एरिया क्या है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है, हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ऑफ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर हैज अप टू 10 टाइम्स एज मेनी एज स्पीसीज। अब ये सारी बातें देखो बच्चों किस टर्म में कर रहा है, इक्वेटर, नॉर्थ, साउथ, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। अगर ये टर्म तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं है तो यहां से कोई भाषा तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली है, क्लियर कट बता दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब यहाँ डाटा है कुछ नहीं है यहां पर, अब कह रहा है अब डाटा निकाल लिख लेना, फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर, फर्स्ट का नाम है ये, 10 टाइम्स मोर स्पीसीज ऑफ वस्क्यूलर प्लांट एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। तो वस्क्यूलर प्लांट्स, अब यहां पे क्वेश्चन दे देगा, बताओ वस्क्यूलर प्लांट्स कहां ज्यादा पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल में या टेम्परेट में, बन गया क्वेश्चन एक तुम्हारे पास यहां पर, ठीक है ना। द लार्जली ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन, देखो ट्रॉपिक रीजन में कौन पाए जाते हैं, एमेजोन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 3,000 ऑफ फिशेज, 1,300 ऑफ बर्ड्स, 427 मैमल, 427 एम्फीबियन, 378 रेप्टाइल एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। तो अब एमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे बताओ, ट्रॉपिकल में कि टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में, अगेन आंसर करना आसान हो गया। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 million इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। साइंटिस्ट लोगों का मानना है इस अमेजोन फॉरेस्ट में अभी भी लगभग 2 million 20 लाख इंसेक्ट को अभी ढूंढा जाना बाकी है और उनकी नेमिंग करना बाकी है। ओके, अब क्या कह रहा है, वट इज स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक डेट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ट्रॉपिक के बारे में ऐसी क्या खास चीज है कि यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस, सम इंपॉर्टेंट वंस आर स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली Disturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. देखो ये बड़ा लंबा चौड़ा एक हो गया एक बार में, देखो उसने क्या बोल दिया, कुछ हाइपोथेसिस हैं। पहले हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि स्पीसिएशन, अगर किसी स्पीसीज प्रजाति का इवॉल्व होना है वो टाइम का फंक्शन है, समय के साथ होता है, ठीक है। अनलाइक टेम्परेट रीजन, जो टेम्परेट रीजन है यानी कि जो पोल के पास था वहां पे ग्लेशिएशन होता रहता है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन मतलब बर्फबारी हो जाती है, सालों बर्फ जमी रहती है, अब ठंडे इलाके में कहाँ इवोल्यूशन हो पाएगा, खाने पीने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना, पेड़ होंगे नहीं। तो जब ग्लेशिएशन हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, सालों तक बर्फ जमी हुई है, हमारे पास्ट की बात कर रहा है, इसके बजाय जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, जो ट्रॉपिकल एरिया है वो उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत है, थोड़ी सर्दी थोड़ी गर्मी, एक लगभग कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट बना रहा मिलियंस ऑफ ईयर तक, और इसीलिए एंड हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, इस लंबे समय तक लगभग वहां कॉन्स्टेंट रहा है, इसीलिए यहां पर स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा। तो पहला रीजन क्या दे दिया, टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन होते रहे हैं, बर्फबारी बर्फ जमी रही है लंबे समय तक, और जो अपने ये रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन है, यहां पर हमारा जो एनवायरमेंट है लगभग कॉन्स्टेंट रहा है, तो स्पीसीज मतलब नई नई प्रजातियां बन गई। फिर कह रहा है ट्रॉपिकल एनवायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल, ट्रॉपिकल में क्या होता है, सॉरी टेम्परेट होता है ना, बहुत बर्फ पड़ रही है 6-6 महीने फिर धूप निकल रही है, बट यहां पर क्या ट्रॉपिकल में ये लेस सीजनल है, लगभग कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट है,
ठीक है, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, लगभग लगभग कॉन्स्टेंट है और हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ अब अगले दिन क्या होगा यहां पर। तो पीछे बात करी कि ध्यान देना, लगभग मिलते जुलते हैं, पीछे बात करा ग्लेशियेशन की यानी कि बर्फबारी की, जमा हुआ था और ट्रॉपिकल जो थे वो अनडिस्टर्ब थे, ना वो बर्फ पड़ रही है ना कुछ हो रहा है, एक तरह कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगेन उसकी क्लाइमेट की ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने बात करी है बर्फबारी से और यहाँ पे इस बार बात कर रहा है किससे, एनवायरमेंट कंडीशन साफ साफ बोल रहा है, ठीक है, सीजन से बात कर रहा है, लेस सीजनल, यहाँ सीजन की बात कर दी है वहां बर्फबारी की बात कर दी है। तो दो कॉन्सेप्ट है कि क्यों ट्रॉपिकल एरियाज में डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। सच कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट्स प्रमोट नीशे स्पेशलाइजेशन, नीशे क्या होता है, नीशे वो जगह होती है जिसके आसपास एक इलाका होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ तुम लोगों का नीशे क्या है, तुम लोगों का नीशे तुम्हारा घर है जहाँ तुम कंफर्ट रह सकते हो, तुमको कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही हर इलाके में जानवरों का नीशे होता है जिस इलाके में वो कंफर्ट फील करते हैं, खाना पीना मिलता रहता है और सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें डर नहीं होता है। तो नीशे स्पेशलाइजेशन की कोई जानवर वहीं रहेगा लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा नीशे स्पेशलाइज होती चली जाएंगी है ना, सबके अपने अपने इलाके एक फिक्स होते चले जाएंगे, डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तीसरा, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक, ऑब्वियसली बात है पोलर के पास थोड़ी धूप कम निकलती है, ट्रॉपिक्स के पास अब एरिया अंदाजा लग रहा है ना ट्रॉपिक कहाँ है और टेम्परेट कहाँ है, वहां धूप ज्यादा है, जब सोलर एनर्जी ज्यादा है तो हायर प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो खाना ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं क्या है हमारे पास डाइवर्सिटी का रीजन दिया है कि क्यों ट्रॉपिकल में ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है कंपेयर टू टेम्परेट। आगे आए, ओके, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज का और एरिया का क्या रिलेशनशिप है और समझे उसे। तो कह रहा है ड्यूरिंग दिस पायोनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिका जंगल्स द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कि यही सब बायोडाइवर्सिटी वगैरह खोज कर रहे थे और देख रहे थे कहाँ साउथ अमेरिका के जंगलों में, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, ये इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जर्व करी, डेट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, किसी पर्टिकुलर हिस्से में जैसे जैसे एरिया को एक्सप्लोर करते जाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियसली बात है तुमने यहां से एक्सप्लोर करना शुरू किया, इतना एरिया फिर इतना एरिया, तो रिचनेस क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज हमें मिलती चली जाएंगी, बट ओनली अप टू अ लिमिट, एक टाइम के बाद हमने क्या देखा, अब यहां पर मतलब यहां से यहां तक इंक्रीज किया फिर यहां पर खत्म, रिचनेस डिक्रीज होना स्टार्ट होगी या लिमिट में आ गई। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा एंजियोस्पर्म प्लांट्स बर्ड्स बैट्स फ्रेश वाटर फिशेस टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस टाइप से देख लो ये लाइन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कि एक टाइम तक बढ़ा और फिर ये कॉन्स्टेंट हो गया या खत्म होने पर आ गया। ऐसा क्यों होता है, ऑब्वियसली बात लिमिट है ना, जैसे कि मान लो शेर है जंगलों में मिलेंगे, जंगल के बाहर नहीं जाएंगे तो उनकी रिचनेस जंगल तक सीमित है, तो इसी तरीके से एक लिमिट हो जाती है एक टाइम के बाद, एक एरिया के बाद। तो यहां पर देखो उसने किस किस के लिए बात करी है, किस किस को उसने मतलब अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने सर्च किया था, एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड बैट फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है, इनकी तीन की बात कर रखी इन्होंने। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है, फिगर 15.2। तो ये देखो जा रहा है स्पीसी रिचनेस एरिया, एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही फिर ये डाउन, ये कॉन्स्टेंट वाली कंडीशन पर आ रहा है, ठीक है। अब आगे बात करें ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन, लॉग करते दोनों तरफ का, ठीक है, लॉग टेक लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर थोड़ा बहुत लॉग के बारे में ज्ञान होगा मैथ्स पढ़ना जानते होंगे, जैसे हम यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस पावर आगे आती है जेड लॉग ए हो जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, वेयर सी, सी क्या मेरे पास एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना, इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, एस क्या है स्पीसीज रिचनेस, ए क्या है एरिया, जेड क्या है स्लोप ऑफ द लाइन, जेड क्या रहेगा स्लोप, स्लोप पता है ना, अरे पढ़ा होगा फिजिक्स में बहुत ज्यादा, ये रहा स्लोप थीटा, ठीक है ना, एंड सी इज द वाई इंटरसेप्ट, सी क्या है वाई इंटरसेप्ट, ये कहां पे जाके वाई को कट कर रही है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला है जस्ट दिमाग में रखिए थोड़ा सा कि किसका मतलब क्या है, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज 0.1 to 0.2, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन, कह रहा कोई भी रीजन हो कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो, जेड की वैल्यू जो है 0.1 से
0.2 तक की रहेगी. वेदर इट इज अ प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मॉलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप्स ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर. तो जो स्लोप है जेड, वो कहीं पे भी देखा हमने, वो क्या मिला हमको? सिमिलर मिला, एक जैसा मिला. तो ध्यान रखना ये डाटा थोड़ा सा समझ में आया तो थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो कॉन्सेप्ट थीटा वगैरह कर रखे होंगे थोड़ा सा दिमाग में लेके आओगे तो ये स्लोप वाली बातें सारी समझ में आ जाएंगी. क्लियर है? तो इसको अब देखो, यहां पर एक लाइन बोल दिया, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन, ठीक है ना? तो इसका एक नाम पड़ा हुआ है यहां पे, रिग्रेशन. क्लियर है? तो याद रखेंगे इसको. बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरी लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में अगर देखोगे, लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरा पूरा महाद्वीप, यू विल फाइंड दैट स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर, काफी स्टीपर हो जाता है. स्टीपर मतलब खड़ा, एक ये है, एक लाइन ये है, तो ये ज्यादा स्टीपर हो गया, ये वाला बहुत ज्यादा स्टीपर हो गया. स्टीपर ना जैसे चीज खड़ी होती है, बहुत ज्यादा ढलान हो जाएगी, ठीक है? मच स्टीपर, 0.6 to 1.2, काफी ज्यादा वैल्यू हो जाती है इसकी. फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगिवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15. वट डू स्टीपर स्लोप मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो ये बात समझ में आई, पहले तो डाटा नोट करेंगे. अब वो कह रहा है इस स्टीपर से तुम लोग यहां पर क्या समझते हो, कोई आइडिया किसी को मिला, कोई आंसर ढूंढा? वीडियो पॉज करके ढूंढने की कोशिश की. अरे देखो सीधी सी बात है, स्टीपर का मतलब क्या है? ये देखो ये ग्राफ है ना, ये तो एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन मान लेते हैं ये है, तो ये ज्यादा स्टीपर हो गया, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है ये इसके ज्यादा क्लोज हो गया, और जो लेस स्टीपर है वो हॉरिजॉन्टल के ज्यादा क्लोज हो गया. तो एक डाटा दिमाग में सेट कर लेना है, स्टीपर का मतलब तुमने एक बहुत बड़ा एरिया ले लिया है, और लेस स्टीपर का मतलब तुम एक छोटे एरिया को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, दैट्स इट. इससे ज्यादा यहां पर हमको नहीं समझना है. क्लियर है बातें? चले आगे. द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, क्या इंपॉर्टेंस है स्पीसीज डाइवर्सिटी की इस इकोसिस्टम में, क्या डाइवर्सिटी से वाकई कुछ लेना देना है, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल है? तो आओ देखें क्या कह रहा है. डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी रियली मैटर, जो नंबर ऑफ स्पीसीज है कम्युनिटी में क्या वो रियली मैटर करती हैं, मतलब फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि बस ऐसी ही है. तो कह रहा है टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पता है ना क्या चीज होती है, प्रोडक्टिविटी है ना, देन उसका क्या कहते हैं, चार स्टेप थे हमारे पास, प्रोडक्शन होगा, देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, फिर डेड हो जाएगा, रिसाइकलिंग होगी, और चार पॉइंट याद है ना. इकोसिस्टम के काम के लिए क्या ये बायोडाइवर्सिटी जरूरी है? तो कह रहा है दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर, ये वह क्वेश्चन है जिसका वो डेफिनेट आंसर नहीं दे पा रहे हैं. फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल, उन्होंने ये माना है फॉर मैनी डिकेड्स, कई सालों से डिकेड होते हैं, एक 10 साल का एक डिकेड होता है, ठीक है ना. इकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं जिस कम्युनिटी में मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होती है, और जो लेस स्पीसीज है कंपेयर टू जहां पर लेस स्पीसीज पाई जाती है, यानी कि वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होगा. वट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है फॉर बायोलॉजिकल कम्युनिटी? स्टेबिलिटी हम भैया अपना उसमें समझ में आता है, केमिस्ट्री में बॉन्डिंग वगैरह होती है, ठीक है, यहां पर स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? तो देखो साफ साफ कह रहा है, अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. प्रोडक्टिविटी मत कहना, आप जानते नहीं हो, पिछले चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने, प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, इसका मतलब वो स्टेबल है. यहां पर हम स्टेबिलिटी का मतलब किससे निकालेंगे? प्रोडक्टिविटी के वेरिएशन से, उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए. कभी पता चला बहुत ज्यादा फसल हो रही है, कभी फसल बिल्कुल नहीं हो रही है. ओके, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस. जो ये इकोसिस्टम होता है ये रेजिस्टेंट होता है और रेजिलियंट होगा, मतलब कि रोक देगा, वेरिएशन नहीं होने देगा इस डिस्टर्बेंस की वजह से, नेचुरल और मैनमेड, ठीक है ना. तो इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट, ये रेजिस्टेंट होता है कि मैन मेड हरकतों, जो ह्यूमन एक्टिविटी है या नेचुरल एक्टिविटी है, उनकी वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क ये नहीं पड़ने देते हैं. कौन से? स्टेबल कम्युनिटी.
एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज. तो ध्यान रखना, स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन. और जो डिस्टर्बेंस होते हैं ह्यूमन मैन मेड या नेचुरल, उसकी वजह से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. या जो एलियन स्पीसीज आकर के उनके ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि दूसरी प्रजाति आकर वहां रहने लगे और वहां की डायवर्सिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, तो उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा. ये तीन पॉइंट स्टेबल कम्युनिटी के लिए तुमको यहां पर मार्क करने हैं. अब क्या कह रहा है, तो लिख लेंगे स्टेबल कम्युनिटी. वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पीसीज रिचनेस. हम नहीं जानते कि ये जो एट्रीब्यूट मतलब होते हैं गुण, इन गुणों को हम लोग किस तरीके से जोड़ें स्पीसीज रिचनेस रिचनेस से, कि स्पीसीज बहुत ज्यादा है किसी कम्युनिटी में. बट डेविड टिलमैन, अभी मार्क कर लेंगे, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, है ना, लैब के बाहर उन्होंने प्लॉट तैयार किए और वहां पर कुछ उन्होंने स्टडी करी, है ना, खेत ऐसे बना लिए होंगे, फसलें उगाए होंगे, डाइवर्सिटी क्रिएट करी होगी. प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर, उन्होंने कुछ जबरदस्त आंसर दिए. आओ देखें क्या है. टिलमैन फाउंड, अब यहां से टिलमैन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आ रहे हैं, डेट प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास. तो वही बात आ गई, ये ऊपर बात हुई, तो टिलमैन का रिजल्ट था ये. ही ऑल्सो शोड, दूसरा क्या था, डेट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी. जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, और जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ज्यादा लेस वेरिएशन इन बायोमास ईयर टू ईयर. ठीक है, साल दर साल जब उसने बायोमास को चेक किया तो उसमें वेरिएशन कम आ रहा था. तो ये थी टिलमैन के व्यू या टिलमैन का एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन. मार्क कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, टिलमैन ऑब्जर्वेशन. आगे आते हैं. ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू वेलबींग ऑफ एनी इकोसिस्टम, हमको ये नहीं पता है, वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीट, हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि स्पीसीज रिचनेस किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है वेलबींग, एक इकोसिस्टम सही सलामत रहे उसमें किस तरीके से स्पीसीज रिचनेस का योगदान होता है. वी नो इनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्परेटिव फॉर वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट. अब हमको इतना तो पता है कि इकोसिस्टम के साथ साथ ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए इस प्लेनेट में डाइवर्सिटी क्या है, जरूरी है, या स्पीसीज की रिचनेस जरूरी है. ओके, आगे आते हैं. एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीसीज एट एन अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क, जिस समय हम लोग स्पीसीज को लूज कर रहे हैं अलार्मिंग पेस, मतलब खतरे की घंटी के हिसाब से, खतरे की घंटी है जिस हिसाब से हम इसको स्पीसीज को प्रजातियां खत्म हो रही हैं अर्थ के ऊपर से, वन माइट आस्क, कोई पूछ सकता है, डज इट रियली मैटर टू अस, क्या ये वाकई हमारे लिए मैटर करता है, इफ अ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, अगर कुछ प्रजातियां खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, सवाल कर रहा है. वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर. कह रहा है क्या वेस्टर्न घाट कम फंक्शनल हो जाएंगे अगर कोई एकाध जो ट्री फ्रॉग है वो कतई खत्म हो जाए. हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे असर पड़ेगा. से इंस्टीड 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स ऑन अर्थ. अगर 20,000 प्रजातियां जो चींटियों की हैं उसमें से केवल 15,000 बच जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये कई सारे सवाल आते हैं. तो कह रहा है देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नाइव क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी. एक एनालॉगी है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि हम लोग बात करते हैं एकाध मर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा. तो देखो इन्होंने बड़ा अच्छी बात बताई. अब ये क्या कह रहे हैं, जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एरलिक. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा इन एन एयरप्लेन, एक एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लो, ऑल पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स. जो सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं उन्हें क्या मान लो, रिवेट्स मान लो. ठीक है, मतलब जो थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स हैं, नट बोल्ट कसे हुए चीजें हैं, उनको स्पीसीज मान लो. इफ एवरी पैसेंजर, जितनी बार प्लेन ट्रेवल करता है और हर बार कोई पैसेंजर स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, एक एक नट पेच खोलता है और घर ले आ रहा है. ठीक है, शुरुआत में मान लो एक पैसेंजर था, उसने सीट का नट बोल्ट खोल लिया, घर ले गया, क्या फर्क पड़ेगा, सीट ढीली तो हो जाएगी, प्लेन उड़ेगा. ठीक है ना, अगली बार कोई दूसरे का नट खोल लेगा, दूसरी सीट का, प्लेन उड़ेगा. ठीक है, तो कह रहा है पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, घर ले गया वो, कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, उसको मान लो कि जो नट घर ले गया वो स्पीसीज खत्म हो गई. तो यानी कि क्या इकोसिस्टम क्रैश किया, नहीं किया, क्या प्लेन ने उड़ना बंद किया, नहीं किया. इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, यहां से फ्लाइट की सेफ्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक आध सीट टूट टाट जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि फ्लाइट की सेफ्टी को किससे कंपेयर किया गया है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम को इनिशियली। बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, जैसे जैसे और ज्यादा रिवेट्स या नट बोल्ट हटते जाएंगे, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल, अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, अब क्या पता कौन सा नट बोल्ट है, नहीं पता ना अभी हमको, अब वो तो नट बोल्ट समझ के ले आता है, पता किसी ने सिग्नल वाला या इंजन का ही नट खोल लिया धीरे से नट बोल्ट समझ के, अब जहां इंजन गिरा अब तो हम वहां हमको पता है कि हाँ इंजन है जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, लेकिन वो तो नट बोल्ट समझ के ले गया, जहां इंजन हिल गया अपनी जगह से तो अगले ही जो प्लेन ट्रेवल करेगा उसमें वो क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो यहां पे कहना चाह रहा है हमें भी नहीं पता ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके खत्म होते ही ये अर्थ भी खत्म हो जाएगी, सेम उस प्लेन की तरह। प्लेन में तो हमें पता है भाई इंजन क्रैश करेगा, प्लेन क्रैश करेगा, तो यहां पर हमको नहीं पता है विच रिवेट इज रिमूव्ड मे आल्सो बी क्रिटिकल, कौन सा क्रिटिकल है, निर्णायक होगा। लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, अब इसने पंखों की बात करी, अब उसके पंखों का जो चक्का घूम रहा है उसका रिवेट अगर हम निकाल दें हम लोग, जो कि की स्पीसीज मान लो से, डेट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम, जो कि फंक्शन, जो कि मेन फंक्शन है, पंखा नहीं घूमेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है। अब मान लो तुमने एक नट निकाल लिया, दो नट लगे हुए, पंखा घूम तो गया, प्लेन उड़ भी गया, अब ऊपर जाके पंखा निकल गया, क्रैश कर जाएगा, ठीक है। इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट ऑन द सीट्स और विंडो इन साइड द प्लेन। तो साफ साफ कह रहे हैं जो हमने रिवेट के नट बोल्ट निकाले थे सीट के और विंडो के, वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं थे जो हमने उसके पंख के निकाल दिए। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे प्रजातियों को मारते जा रहे हैं ना, कौन सी प्रजाति होगी हमें भी नहीं पता, जैसी वो मरेगी खेल खत्म इस अर्थ का। क्लियर है बातें? तो ये थोड़ा सा इसमें आराम से समझाया मैंने ताकि आप लोग समझ सकें और नेचर से प्यार करना शुरू करें, बहुत जरूरी है। चलें आगे, आओ आगे देखते हैं क्या कह रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, व्हाइल इट इज डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीसीज आर बीइंग एडेड, ये डाउटफुल है क्या कोई नई स्पीसीज एड हो भी रही है थ्रू स्पीसिएशन, स्पीसिएशन के थ्रू इनटू द अर्थ ट्रेजरी ऑफ स्पीसीज, देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यू लॉस। हमको ये तो नहीं पता कि नई स्पीसीज एड हो रही कि नहीं हो रही है, लेकिन हाँ यहाँ लगातार लॉस तो हो रहा है। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली, ठीक है, बायोलॉजिकल वेल्थ बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है। एंड एक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटी, और जो फिंगर उठ रही है कि कौन दोषी है वो ह्यूमन एक्टिविटी की तरफ उठ रही है। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड जो जगह है ह्यूमन के द्वारा वहां पर कॉलोनी बनाई जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड, जिसकी वजह से जो बर्ड्स वहां जंगल में रहा करती थी, पेड़ सारे कट गए तो जंगल बर्ड जब दूसरी जगह गई है तो वहां के दूसरे इलाके के पंछियों ने, जानवरों ने उनको मार दिया, तो धीरे धीरे वो सब क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। द IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर, पिछले 500 सालों में इतनी प्रजातियां एक्सटिंक्ट कर गई हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन, जो तुरंत जल्दी में ही एक्सटिंक्ट हुए हैं, इंक्लूड डोडो मॉरिशियस, फिर क्या कह रहा है, क्वागा अफ्रीका से, थैलासाइन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी सीकाओ रशिया से, एंड 3 सब स्पीसीज बाली जावा और कैस्पियन ऑफ टाइगर। तो किस किस प्रजाति की जो जल्दी ही अभी प्रजातियां एक्सटेंट हुई हैं वो ये हैं, इनको आप लोग नेट पे डाल के इनके पिक्चर देख सकते हो, फिलहाल हमको डाटा नोट करना है। द लास्ट 20 ईयर अलोन, पिछले 20 सालों ने ही केवल विटनेस किया है या डिसअपीयरेंस ऑफ 27, पिछले 20 सालों में ही 27 स्पीसीज गायब हो गई हैं अर्थ से। केयरफुली एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर रिकॉर्ड को हम केयरफुली एनालाइज करें, सोच डेट दिखाता है एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम, टैक्सा के अक्रॉस जो एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्शन तो समझ रहे हो ना प्रजातियों का खत्म होना, ये रैंडम नहीं है। सम ग्रुप लाइक एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वुलनरेबल, वुलनरेबल मतलब जो ज्यादा सेंसिटिव है खत्म होने के लिए टू एक्सटिंक्शन, ठीक है, कुछ ग्रुप ज्यादा एक्सटिंक्शन और ज्यादा सेंसिटिव है कि जल्दी खत्म हो जाएंगे। एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन, जो ये चल रहा है एक्सटिंक्शन सिनेरियो, ग्रिम मतलब कह सकते हो एक तरह खतरनाक या कह लो कि संवेदनशील टाइप का सिनेरियो चल रहा है, इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। आज के टाइम पे 15,500 स्पीसीज खत्म होने के कगार पर है। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज
23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. ये एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है. क्लियर है? आगे आए. ठीक है. फ्रॉम अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम अर्थ की हिस्ट्री देखें, वी लर्न डेट, हम लोग लर्न करते हैं या समझते हैं डेट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज लाइक द वन वी आर करंटली विटनेसिंग हैव ऑल्सो हैपन अर्लियर. ये जो लार्ज स्केल पे स्पीसीज का लॉस होता है ना, ऐसा पहले भी हो चुका है इवन बिफोर ह्यूमन अपियर्ड, यहां तक कि जब ह्यूमन नहीं थे उससे पहले भी ऐसा हो चुका है. ठीक है ना. ड्यूरिंग द पीरियड जो कि ग्रेटर देन 3 बिलियन ईयर्स का है, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन. अब तक जो अर्थ पे यानी कि ये डाटा बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ह्यूमन से पहले भी प्रजातियां खत्म हुई हैं. अब ये बात बताना चाह रहा है यहां पर. और अच्छा, मास स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है जैसे कि डायनासोर खत्म हुए थे, ठीक है ना, उनकी बात करने जा रहा है. अर्थ पर 5 घटनाएं या 5 एपिसोड्स हुए हैं ऑफ मास एक्सटिंक्शन के, जब सारी की सारी प्रजातियां खत्म हो गई हैं. ठीक है. हाउ इज द 6th extinction प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस. कह रहा है जो 6वां एक्सटिंक्शन चल रहा है आज के डेट पे चल रहा है, जो वो डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स, पहले कुदरती तौर पे हुए थे, आज के टाइम पे कुदरत नहीं इंसान खुद कर रहा है उनको, इसीलिए ये अलग है. ठीक है. द डिफरेंस इज द रेट, उसका रेट का अंतर है. पहले कई बिलियंस ईयर में जाके होता था, अब ऐसा नहीं है. द डिफरेंस इज द रेट, किस रफ्तार से जो एक्सटिंक्शन हो रहा है. द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेट टू बी 100 to 1000 times फास्टर. सोचो पिछले जो एक्सटिंक्शन हुए हैं, आज के जो एक्सटिंक्शन है वो 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज हो रहा है देन इन द प्री ह्यूमन टाइम. ठीक है. एंड आवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट, और जो हमारी एक्टिविटीज है ह्यूमन्स की वो रिस्पॉन्सिबल है इस फास्टर रेट ऑफ एक्सटिंक्शन के लिए. इकोलॉजिस्ट वॉन्ट डेट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, अगर ये ट्रेंड चलता रहा, नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट, खत्म हो जाएंगी विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर, अगले 100 सालों में लगभग आधी स्पीसीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है. तो ये देखो, ये सारी बातें किसके बारे में चल रही थी कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, ये ध्यान रखना. 5 एपिसोड हुए हैं, 6वां चल रहा है अभी. 6वां क्या हो रहा है? चल रहा है. ठीक है. तो अब क्या किस बारे में बातें होने जा रही हैं, देखे जा रहा है. हेड डालते हैं ना किस बारे में क्या बात हो रही है. ठीक है ना. यहां पर हम लोगों ने किसकी बात करी, मास एक्सटिंक्शन की बात करी. तो कौन सा पार्ट किस बारे में बात कर रहा है, मार्क करते चलो. अब कह रहा है इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू अ डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. डाइवर्सिटी का जब लॉस होता है तो प्लांट के प्रोडक्शन में डिक्रीज आता है. लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन सच ए ड्रॉट. कह रहा है एनवायरमेंट का जो पर्टर्बेशन है यानी कि एनवायरमेंट की जो स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा धूप, बाढ़ आना, इसके लिए भी जो हमारा जो ये होता है डाइवर्सिटी होती है वो उतनी ज्यादा सक्षम नहीं रह पाती है कि उससे वो खुद को अपने आप को बचा पाए. इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल. ठीक है. तो इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, कुछ इकोसिस्टम में कुछ चीजों का बढ़ना, क्या क्या, प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर का यूज का, एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल. ठीक है ना. तो क्या कह रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड, डाइवर्सिटी जब लॉस होती है उसकी वजह से क्या क्या घटनाएं घटती हैं, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. ठीक है. और वेरिएबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी कुछ इकोसिस्टम में टूवर्ड्स प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज में और पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में. बात क्लियर हो रही है? तो ये 3 बातें क्या आ गई, डाइवर्सिटी लॉस की वजह से क्या क्या होगा, क्या घटनाएं घटेंगी. 3 घटनाएं हैं ए बी और सी. बात समझ में आ रही है? नाउ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस के क्या क्या कॉज हैं, आओ समझते हैं इसको. तो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, तो क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के, तो कई सारे कारण दिए गए हैं. द एक्सेलरेटेड रेट, एक्सेलरेटेड मतलब बढ़ा हुआ दर है जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन का, स्पीसीज खत्म होने का, दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग, जो आज के दौर में दुनिया फेस कर रही है. Now are largely due to human activity. ज्यादातर क्या है, human activity की वजह से है. There are 4 major causes. 4 major causes हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, the evil quartet. क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसे मार्क करेंगे सब लोग.
इज द इविल क्वालिटी इज द सॉर्बिक्वेट यूज टू डिस्क्राइब देम, है ना, इसको हम सॉर्बिक्वेट भी कहते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। अब ये क्या है आओ देखें, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जहां रहते हैं उसका लॉस हो जाए, घर ही ना बचे और टुकड़े हो जाए। देखो टुकड़ों से यहां पे क्या मतलब है मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, पेड़ 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 कई किलोमीटर में फैला हुआ है, तुमको क्या हुआ इंसान को चढ़ा के लाओ, वो कर लें घर बनाए, उन्होंने क्या किया, ठीक है काम करते हैं बीच का हिस्सा इतना उड़ा देते हैं, दोनों तरफ जंगल बचा रहेगा, यहाँ पे अपनी प्लॉटिंग कर लेते हैं। अब हुआ क्या, इतने बीच में जो जानवर थे मान लो जितने, वो तो खत्म हो ही गए, और कई बार ऐसा होता है यहाँ के जानवर क्या करते हैं पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे इलाके में, मौसम थोड़ा गड़बड़ होता है तो दूसरे इलाके में चले जाते हैं, ये भी हमको पता ही है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। जब ये वापस आते हैं तो इनको यहाँ अपने पेड़ पौधे घर नहीं मिलते हैं, तो होता क्या है यहाँ वाले जानवर भटक जाते हैं, उनकी मौत होना स्टार्ट होगी, क्यों, जब दूसरे इलाके में जाएंगे तो मरेंगे, प्लस यहाँ पे जो रह रहे थे उनको खदेड़ दिया गया, यहाँ के जानवर यहाँ भागेंगे यहाँ भागेंगे, अपना हैबिटेट छोड़ करके दूसरे इलाके में जब जाएंगे तो उनकी क्या होगी, फाइटिंग होगी वहाँ के जानवरों से और मौत होना फिर निश्चित है। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े कर दिए और हैबिटेट का लॉस, यहाँ पर जो हैबिटेट था वो खत्म हो गया, सिंपल तरीका समझने का इसका ये है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस केम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां से आता है, कहां से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आता है, वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ, लगभग अर्थ का 14% तक कवर कर रहा था, दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%, अभी 6% से भी ज्यादा नहीं रहेगा, सोचो कितना पेड़ काट दिया गया, कितने जानवर बेघर हो गए होंगे, दे आर बींग डिस्ट्रॉयड फास्ट, काफी तेजी से उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर थाउजेंड्स मोर हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट, जब तक इस चैप्टर को पढ़कर खत्म करोगे ना 1000 हेक्टेयर और कट चुका होगा। द एमेजॉन रेन फॉरेस्ट इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लेनेट, मार्क कर लेंगे इस बात को, इतना बड़ा है कि इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो CO2 होता है ना अर्थ की, उसको खींच करके खत्म करता है। रेन फॉरेस्ट हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज, ये लगभग है ना मिलियंस ऑफ स्पीसीज को अपने अंदर रखता है, इज बींग कट, काटा जा रहा है एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन, ठीक है, इसको क्या करते हैं, जंगल काटा, सोयाबीन हमें उगाना है, तो सारा जंगल साफ किया, सारा मतलब जितने एरिया में सोयाबीन उगाना है काट दिया उतना, और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड, उसको काट के हमें वहां क्या बनाना है, ग्रासलैंड बनाना है, फॉर रेजिंग बीफ कैटल, है ना, हमें क्या पालने, जीव जंतु पालने अपने, तो क्यों काटा गया, रीजन दिया गया सोयाबीन उगाने के लिए और बीफ कैटल को पालने पोषण के लिए। बिसाइड्स टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन आल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज, डिग्रेडेशन के अलावा मतलब काटपीट और उसके अलावा पॉल्यूशन भी खतरा है सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज के लिए, ठीक है। व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन, जब बड़े हैबिटेट तोड़ दिए जाते हैं, जैसे मैंने यहां समझाया उदाहरण के तौर पर, इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, मान लो इतना बड़ा जंगल था, यहां काट दिया यहां काट दिया यहां काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, ठीक है। मैमल्स एंड बर्ड एक्वायरिंग लार्ज टेरिटरी एंड सर्टन एनिमल विद माइग्रेटरी हैबिटेट, जिनकी माइग्रेटरी हैबिटेट है, कहीं गए हुए थे वापस आए, उन्हें अपना घर नहीं मिला, आर बैडली अफेक्टेड, ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट होते हैं, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन, और उनका क्या होता है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है, ठीक है, कौन से ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं, माइग्रेटरी हैबिटेट वाले जानवर। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन की वैसे हिंदी होती है शोषण, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब भाई हमें जरूरत है पेड़ों की घर बनाने के लिए, बेंच बनाने के लिए, लेकिन अब लालच के लिए तुम तादाद से ज्यादा ही काट पीट कर दो, दैट इज कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तादाद से ज्यादा, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा लालच आ गया कि हमें पैसा कमाना है। तो क्या कह रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, ह्यूमन हमेशा से डिपेंड रहा है फूड और शेल्टर के लिए, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जब जरूरत लालच में बदल जाती है, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब जब लालच आ जाएगा तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स, जो पिछले 5 सालों में हुआ है, जैसे कि स्टीलर्स काउ, पैसेंजर पिजन, वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन, जो इनका हम लोगों ने क्या किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, खत्म हो गए। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन वर्ड का मतलब समझ गया ना, तादाद से ज्यादा इस्तेमाल करना। प्रेजेंटली मैनी मरीन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, तादाद से ज्यादा उनको क्या किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है।
इंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, और इंडेंजर कर रहे हैं जो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनका कमर्शियल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है जिनको बेच के हम लोग कमाते हैं, वो स्पीसीज क्या आ गई हैं, इंडेंजर हो गई हैं, खतरे में पड़ गई हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर तारा से ज्यादा किसका इस्तेमाल करोगे, लालच यहाँ पर भी तो है, लालच है, तारा से ज्यादा मछली पकड़ोगे तो वाली मछली क्या होगी, खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन मतलब कोई बाहर की स्पीसीज को ला करके किसी दूसरे एरिया में डाल देना, इससे क्या फर्क पड़ेगा और देखें। When alien species are introduced unintentionally, हमने जानबूझ के नहीं डाला, लेके बस डाल दिया अपने शौक के तौर पे, और deliberately या जानबूझ के for whatever purpose, जो भी purpose रहा हो, some of them turn invasive, कुछ कैसे हो जाते हैं, invasive होते हैं, invasive मतलब अब वो इस इलाके पे पूरा पूरा अटैक करेंगे और कब्जा करती हैं, and cause decline of extinction of indigenous species, indigenous मतलब जो वहाँ की स्वदेशी जातियाँ हैं, local जातियाँ, उनको extinct कर देती हैं, कैसे आओ देखें, example है यहाँ पर, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक, ये नाइल पर्च जो है उसको लेक विक्टोरिया में डाला गया, जो झील थी इन ईस्ट अफ्रीका, लीड इवेंचुअली टू एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सीटलिड फिश। हमने क्या किया, शौक के तौर पे नाइल पर्च को उसमें डाल दिया, इस वाली झील में उसने लगभग 200 प्रजातियां जो थी सीटलिड फिश की उसको उसने क्या कर दिया, वहां पे मार काट के खत्म कर दिया। बात समझ में आई? तो ये तो हम लेके आए थे ऐसी शौक के तौर पे, ये एलियन स्पीसीज यहाँ इसने लोकल स्पीसीज को खत्म कर दिया। अब यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय द थ्रेट पोस्ट टू अवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज किसके बारे में एग्जाम्पल दे रहा है, कैरेट ग्रास के बारे में, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हम पार्थेनियम कहते हैं, लैंटाना एंड वाटर हाइसिन। जो कैरेट ग्रास है, वाटर हाइसिंथ पढ़ाई है हम लोगों ने, जल्दी खत्म नहीं होती, बहुत तेजी से तालाब में फैलती है। द रिसेंट इलीगल इंट्रोड्यूशन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस ग्रैपी गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिशेस इन अवर रिवर। ठीक है, हम लोग क्या रहे थे, जो अफ्रीकन कैटफिश है क्लैरियस ग्रैपीपाइनस को एक्वाकल्चर पर्पस के लिए लेके आए थे, है ना। अब एक्वाकल्चर पर्पस के लिए लेके आए थे, हमने क्या किया, कुछ दो चार नदियों में डाल दी अपनी, जब नदियों में गई तो वहां की जो लोकल फिशेस थी कैटफिश उनको खतरा हो गया, उनको ये मारने लगी। तो देखो साफ सीधी बात है, ये जो पार्थेनियम ग्रास है जो कि कैसे आ गई थी पता है ना, इत्तेफाक से आ गई थी, वाटर हाइसिंथ देखने में अच्छा लगता था लेके आ गए हम लोग दूसरी कंट्री से, तो अब ये हमारे लोकल इलाके में इतनी बुरी तरह फैल गई हैं और क्या कर रही हैं, वहाँ के तालाब में जिस पानी जहाँ फैल जाती है वहाँ की ऑक्सीजन को पूरा खींच लेती है ये, इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, और वहाँ पे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको सर्वाइव करने में दिक्कत होती है। तो ये है एलियन स्पीसीज, सिंपल सी बात है, किसी दूसरी प्रजाति को लेके आए किसी और पर्पज से, लेकिन जो लोकल स्पीसीज थी उसको उसने क्या कर दिया, खतरे में डाल दिया। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है? तो कुछ अगेन एग्जाम्पल है, नाइल पर्च का है, वाटर हाइसिंथ लैंटाना और पार्थेनियम का है, देन क्लेरियस क्रेपाइनस का है, तो ये तुम्हें एग्जाम्पल याद रखने हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं है। फोर्थ वन इज को एक्सटिंक्शन, एक साथ खत्म होना, अगर एक प्रजाति खत्म होगी तो उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। वन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब स्पीसीज पूरी मतलब एक कोई स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट होगी समाप्त हो जाएगी, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट, जो उसके साथ जुड़ी हुई है इन एन ऑब्लिगेटरी वे, ऑब्लिगेटरी मतलब उसी पे डिपेंड है पूरी तरीके से, ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, ऑब्वियसली बात है वो भी खत्म हो जाएगी, वो जिस प्रजाति पर डिपेंड थी वो खत्म होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite, assemblage मतलब जो उससे जुड़ा हुआ है, parasite also meet the same fate. कोई fish थी उसके ऊपर एक parasite survive करता था, और वो parasite सिर्फ उसी fish के ऊपर रहता था, किसी और के ऊपर नहीं रहता था, वो fish अगर खत्म हो गई तो उसके साथ साथ वो parasite भी खत्म हो जाएगा। Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably lead to the extinction of the other. Co-evolved plant pollinator. जैसे कि हम बात करें किसकी, जो हम लोगों ने फिक की बात की थी, फिक ट्री की बात की थी, उसमें खास तरह का बीज है, वही क्या करता है आगे पॉलिनेट करता है उसको, अगर फिक ट्री खत्म होगा तो उसको पॉलिनेट मतलब अगर वो बी खत्म हो जाएगी तो उसको पॉलिनेट करने के लिए कोई दूसरा पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, तो वो प्लांट भी धीरे से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। को इवॉल्व, जो एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इसी में एक वाला उसका एग्जाम्पल था सूडो कॉपुलेशन वाला, वो भी को इवॉल्व हो रहे हैं, याद आ रहा है ये बातें, ठीक है ना। तो ये को इवॉल्व, एक साथ जो इवॉल्व हो रहे हैं, तो एक खत्म होगा तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाता है। तो
तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने ये चीजें पढ़ी कि क्या कारण है बायोडायवर्सिटी लॉस के। तो चार कारण हमने उन्होंने पढ़ लिए हैं। नाउ अब हम सब कुछ देख लिया, अब हम बचाने की बात करेंगे। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो कह रहा है देयर आर मेनी रीजंस, कई सारे कारण हैं, सम ऑब्वियस एंड अदर नॉट सो, कुछ स्पष्ट है कुछ स्पष्ट नहीं है, बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट, बट सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। कह सकते हैं हम लोग छोटी सोच, बीच की सोच, थोड़ी बड़ी सोच और लॉजिकल सोच, है ना। हम कहते हैं यार ये तो छोटी सोच वाला है, ये ठीक ठीक सोच वाला है, ये एकदम जेन्युइन, ये सही बात कर रहा है। तो तीन तरह के सोच वाले लोग हैं। पहली सोच वाले द नैरोली यूटिलिटेरियन arguments, ये argument करता है for conserving biodiversity की बचाओ, क्यों, क्योंकि humans derive countless direct economic benefit, कह रहा है कि हमको economically benefit हो रहा है, पैसा मिल रहा है from nature, food, firewood, fiber, construction material, industrial products, ठीक है तमाम बातें दे रखी, and product of medicinal importance, more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plant, 25% ज्यादा ड्रग्स ऐसी हैं जो प्लांट से ड्राइव होती हैं, एंड 25,000 ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल, जो वहां के लोकल पीपल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, हमको ये भी नहीं पता है कि कितने और प्लांट ऐसे हैं जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है और अभी भी एक्सप्लोर करना ढूंढना बाकी है। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्सप्लोरिंग, मतलब क्या होगा इसका, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लालच देख रहा है। नेशन इंडो विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट, ठीक है ना। तो ये छोटी सोच कि भैया हमें फायदा हो रहा है इसीलिए इन्हें बचाओ, बात समझ में आई, अंदर डाटा दे रखा है क्या क्या फायदा हो रखा है, तो इसको पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा ब्रॉड ये सोच वाले लोग कहते हैं कि नहीं यार, फायदा के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं। क्या से डेट बायोडायवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस की बात कर रहे हो, पता नहीं इकोसिस्टम सर्विस क्या होती है, पॉलिनेशन, रेन, इन सब की बातें करने लगा। डेट नेचर प्रोवाइड, कई सारी सर्विस है जो नेचर हमको देती है, ठीक है। द फास्ट ड्विंडलिंग एमेजॉन, द फास्ट ड्विंडलिंग एमेजॉन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, जो अमेजॉन फॉरेस्ट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इज एस्टिमेटेड प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ, कह रहा है जो अमेजॉन फॉरेस्ट है लगभग टोटल ऑक्सीजन का 20% क्या कर रहा है, देता है हमको, यानी कि अब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये भी अपने फायदे की बात कर रहा है, उससे ब्रॉड है वो, प्योर फायदा देख रहा था। यहां पर ये कह रहा है भाई हमें भी तो जिंदा रखते हैं ये, तो इनकी कदर कर लो, ठीक है। कैन यू पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू टू दिस सर्विस बाय नेचर, तो हम लोग पिछले चैप्टर में इसकी वैल्यू को है ना एस्टिमेट कर चुके हैं। यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, कह रहा है यहाँ से तुम आइडिया लगा सकते हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर कितना पैसा खर्च होता है। तो ये जो पेड़ पौधे डाइवर्सिटी यानी कि अमेजन फॉरेस्ट है, ये कितने कीमती है हमारे लिए। फिर क्या कह रहा है, ओके पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट और सीड इज अनदर सर्विस, इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स लेयर्स, बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स, ये सब चीजें क्या करती हैं, पॉलिनेशन करवाती हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पॉलिनेटर्स, अगर नेचुरल पॉलिनेटर ना हो तो उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी हमको। देयर आर अदर इनटेंजिबल बेनिफिट, इनटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं, डैट वी डराइव फ्रॉम नेचर, द एस्थेटिक प्लेजर, है ना। कहीं जब क्या होता है, अब तो शहरों में है तो इसका तुम लोग इसका फीलिंग नहीं जानते हो, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं नैनीताल, जाते हैं शिमला, एकांत जगह जा रहे हैं, उसका एक अलग सुकून मिलता है ना, एस्थेटिक प्लेजर, इसको कहते हैं एस्थेटिक प्लेजर, जो सुकून मिल रहा है उस इलाके में जाकर के, ऑफ वॉकिंग थ्रू क्विक वुड, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर, है ना, गार्डन से गुजर रहे हैं फ्लावर फूलों से भरे हुए, और वॉकिंग वेकिंग अप टू अ बुलबुल सॉन्ग, हम किसी कभी जाओ किसी अच्छे जगह पे जाओ, नैनीताल वगैरह जाओ, या किसी जो उत्तराखंड में काफी अच्छे अच्छे इलाके हैं, जंगल के बीच में घर बने हुए हैं, सुबह उठ रहे हो चिड़ियां चहचहा रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब कहाँ से लेके आओगे, ये सब चीजें जो हमको मिल रही हैं, इसीलिए हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। तो ये उससे थोड़ा सा बेनिफिट को नहीं सोच रहा है, इसलिए उससे थोड़ी बड़ी सोच मानी गई। बट एथिकल रियलिटी क्या है,
एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या है, या यूं कहा जाए कि एथिकल सोच क्या है, एथिकल मतलब रीजनेबल, फॉर कंज्यूमिंग वाटर रिलेट टू व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो स्पीसीज विद हुम वी शेयर दिस प्लेनेट। कह रहा है कि जो हमको ये प्लांट एनिमल माइक्रोब्स मिले हैं जिनके साथ हम इस प्लेनेट अर्थ को शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। What we owe, ठीक है। कह रहा है philosophically और spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value, हर किसी की अपनी intrinsic value है, even if it may not be of current or any economic value to us। कह रहा है कि अगर किसी की economic value नहीं भी है तो भी उसकी एक value है। We have to moral duty, हमारी moral duty है to care for their well-being and pass on our biological legacy इन गुड ऑर्डर फॉर फ्यूचर जनरेशन। और जो हमारी बायोलॉजिकल लीगेसी है, जो ये एटमॉस्फेयर है, जो डाइवर्सिटी है, इसको इसी हालत में हम आगे जनरेशन में पास करें। तो बस ये कह रहा है कि इन सब के साथ हम अपना प्लेनेट शेयर कर रहे हैं, तो इनको हमारा बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ऑब्वियसली बात है, हमारी जिम्मेदारी है। इस पूरी अर्थ पे कोई सबसे समझदार प्राणी है तो वो हम ही लोग हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, चले आगे। तो ये तो हो गया कि क्यों बचाना चाहिए, अब कैसे बचा सकते हैं, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो कह रहा है व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। कह रहा है व्हेन वी कंजर्व द एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। जब इकोसिस्टम को बचाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी ऑटोमेटिक हर लेवल में सेव हो जाएगी। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, पूरे फॉरेस्ट को बचाते हैं तो टाइगर बचे रहते हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मतलब समझ लो, जो जानवर जहां पर है या जो चीज जहां पर है हम वहीं पर क्या कर देंगे, बाउंडेशन लगा देंगे। मान लो इतने एरिया में, ये मान लो 50 किलोमीटर फैला जंगल है, हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, इस जंगल में कोई शिकार नहीं होगा, कोई पेड़ नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी, है ना। जिम कॉर्बेट पार्क है ना, दुधवा नेशनल पार्क, कई सारे पार्क ऐसे हैं वहां पर हम लोग कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इंस्टीट्यूट जो चीज जहां पर है वहीं की वहीं उसे कंजर्व करना है, ऑन साइट कंजर्वेशन। हाउएवर व्हेन देयर आर सिचुएशन वेयर एन एनिमल और प्लांट इज इनडेंजर्ड और थ्रेटन्ड, ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर एंड नीड अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन एक्सिटू ऑफ साइट कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच। तो कह रहा है कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे हालात हैं कि प्लांट या एनिमल खतरे में है। क्यों खतरे में है, कोई दूसरा एनिमल उसका शिकार कर देगा तो वो प्रजाति खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। कोई दूसरा एनिमल उस पौधे को खा देगा तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में जब वो नियर फ्यूचर में खत्म होने कगार पे है, अगर हमने उनको वहीं का वहीं छोड़ दिया तो वो मर जाएंगे, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। तब हम लोग क्या करते हैं, एक्सिटू उन पौधों को, उन एनिमल्स को हम बाहर लेके आ जाएंगे, उन पौधों को हम लोग क्या करेंगे, मतलब पॉलिनेट करके उनकी प्रजाति को बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है। और कोई अगर एनिमल होगा तो उसे जू में लेके आ जाएंगे, उसको क्या कराएंगे, रिप्रोड्यूस करा के उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे और फिर वापस उसको जंगल में छोड़ेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे जो जहां पे थी वहां से बाहर लेके आए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई और वापस जंगल में छोड़ दी। दैट इज कॉल्ड एक्सिटू, है ना, इंस्टीट्यू एक्सिटू। तो आओ देखें जरा इंस्टीट्यू के बारे में क्या बातें हो रही हैं। इन इंस्टीट्यू कंजर्वेशन फेस्ड विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. कह रहा है कि conflict है एक between development and conservation में, कि develop कैसे होगा, conserve कैसे करेंगे। many nations find it unrealistic, कई countries इसको unrealistic मानती हैं, and economically not feasible, economically feasible नहीं है कि to conserve all their biological wealth, कि अपनी सारी biological wealth को क्या कर सके, conserve कर सके। Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resources available. तो कह रहा है जिनको हमें बचाना है वो बहुत ज्यादा है, the conservation resources available, जो कंजर्व करने के resources हैं उसके मुकाबले जिनको कंजर्व करना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationist. ये problem है address की गई है, बताई गई है global level पे कि ऐसी problem है। दे आइडेंटिफाइड, तो हुआ क्या, दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन। उन्होंने क्या किया, दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन, उन्होंने जिनकी प्रोटेक्शन मैक्सिमम करनी है कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को रीजन को उन्होंने मार्क किए विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, जहां पर स्पीसीज की रिचनेस बहुत ज्यादा है, उनको कहा गया
बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दैट इज स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड इन एनीवेयर एल्स। मार्क कर लेंगे इसे। एंडेमिज्म का मतलब वो स्पीसीज बस वहीं पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती है, तो उनको मार्क कर लिया गया, ठीक है, और उनको बनाया गया, उनको कहा गया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इनिशियली 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड, बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड। पहले 25 थे, फिर बाद में 9 और एड कर दिए गए। डाटा है देखो यहां पर, और कुछ नहीं है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, एंडेमिज्म क्या है, ठीक है, 9 और को इसमें जोड़ा गया, ठीक है, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड टू 34। टोटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हो गए, 34। दीज हॉटस्पॉट्स आर आल्सो रीजन टू एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। दीज हॉटस्पॉट्स आर आल्सो रीजंस ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। ये वो हिस्से भी हैं जहां पे हैबिटेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। हमने उस हिस्सों को भी क्या बनाया, हॉटस्पॉट बनाया, जिससे कि लॉस रुके। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका एंड इंडो बर्मन एंड हिमालय कवर अवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडायवर्सिटी रीजंस। तो 3 यहां पे ऐसे हॉटस्पॉट हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ये मिलकर कवर करते हैं कंट्री की एक्सेप्शनली हाई बायोडायवर्सिटी रीजंस को। तो यहां ध्यान रखना, ये मार्क कर लेंगे, 3 हॉटस्पॉट हैं जो इंडिया के अंदर है। क्लियर हो गया। ऑल्दो ऑल द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। अगर सारे हॉटस्पॉट को हम बात कर लें तो 2% से भी कम एरिया है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई, लेकिन इनके अंदर जो स्पीसीज हैं वो बहुत, उनकी जो रिचनेस है वो बहुत ज्यादा है। एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस द ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन करेंगे इन हॉटस्पॉट का तो जो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन है, जो ये खत्म हो रही प्रजातियां, वो लगभग 30% तक उनमें कमी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो कुछ नहीं है, हमने कुछ चीज़ों को चुना, ऐसी जगह चुनी जहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उन्हें हॉटस्पॉट कहा, ठीक है, और मार्क किया। पहले 25 थे, फिर 34 हो गए, इनके अंदर बिल्कुल सारी गतिविधियों को, ह्यूमन एक्टिविटी को रोक दिया गया, तो लगभग 30% तक क्या है, इनमें कमी आ जाएगी। आगे आते हैं। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडायवर्सिटी रिच रीजंस आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में हम उनको क्या बोल रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहे हैं, नेशनल पार्क्स बोल रहे हैं और सेंचुरीज बोल रहे हैं, ठीक है। इन इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडिया हैज आल्सो ए हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इंडिया में रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन भी रहा है जो कि कुदरत को, नेचर को प्रोटेक्ट करने में बिलीव रखता है। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट, कई कल्चर्स में तो जो रास्ते होते हैं ना जंगल के, वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिव टोटल प्रोटेक्शन। जंगल का एक रास्ता होगा, उसको एकदम दैविक मान लिया जाता है, उसके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट है, उनको वहाँ की जो लोकल प्रजाति है प्रोटेक्ट करती है, कि ये उनका मानना है कि वहाँ पे क्या है, वो जंगल की देवी बोल दो या कुछ भी बोल दो, इस टाइप से मान करके वो लोग उसको क्या करते हैं, पूजा करते हैं और उनके प्रोटेक्ट करते हैं। सच सैक्रेट ग्रूव्स, ऐसे जो रास्ते हैं जिनको प्रोटेक्ट करते हैं, आर फाउंड इन, ऐसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, खासी, जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो समझ रहे हो बात को, यहाँ पे कुछ हमारे आदिवासी लोग ऐसे हैं जो जंगल की पूजा वगैरह करते हैं, जिनको और वहाँ पे उनको क्या करते हैं, वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, क्या कहा गया उनको, सैक्रेट ग्रुप कहा गया। इन मेघालय द सैक्रेट ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स। इन मेघालय द सैक्रेट ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। तो कह रहा है मेघालय में जो क्या कहते हैं हमारे पास सैक्रेट ग्रुप है, रिफ्यूजेस, तो रिफ्यूजेस का मतलब क्या है, तो कह रहा है इन मेघालय द सैक्रेट ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस। रिफ्यूजेस मतलब जो शरण, जैसे रिफ्यूजी होते हैं ना, रिफ्यूजी मूवी भी आई थी याद है, तो रिफ्यूजेस मतलब जो शरण दे, क्या दे, शरण दे, लास्ट रिफ्यूजेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन प्लांट्स। तो वहां बता रहा है उन्होंने शरण दे रखी है काफी सारे रेयर और थ्रेटन प्लांट्स को, किसने, इन मेघालय में वहां के जो ग्रुप्स हैं। नाउ द एक्सिटू कंजर्वेशन, एक्सिटू कंजर्वेशन की बात कर लें, इन दिस अप्रोच
threatened animals and plants are taken out from their natural habitat, वहाँ से उनको लेके आ जाएंगे and placed in special settings where they can be protected and given special care, खास जगह रखेंगे जहाँ उनको protect करेंगे और care करेंगे. Zoological park मतलब zoo, botanical garden and wildlife safari park serve this purpose. तो ex-situ को ex-situ में जब preserve करेंगे, अगर animal लेके आएंगे तो उसे zoological park में रखेंगे, plant को लेके आएंगे तो botanical garden में रख लेंगे. ठीक है. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological park. कई सारे एनिमल ऐसे हैं जो अपनी वाइल्ड जहाँ रहते थे वहाँ से खत्म हो गए हैं, लेकिन जू या जूलॉजिकल पार्क में ला करके उनको हमने मेंटेन किया हुआ है. इन रिसेंट ईयर एक्सिटू कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीसीज इन इनक्लोजर. कह रहा है रिसेंट ईयर में एक्सिटू कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीसीज इन इनक्लोजर. तो क्या है, वो जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है उनको भी क्या कर रहा है, अपने अंदर लेकर के आ रहा है कि जो स्पीसीज थ्रेट खत्म होने के कगार पर है उनको भी वो प्रिजर्व कर रहा है. नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है, जो स्पीसीज खत्म होने के कगार पर है, उनके गैमेट्स को ला करके हम लोग प्रिजर्व कर ले रहे हैं कि इनकेस अगर ये खत्म हो गई तो गैमेट्स के माध्यम से हम वापस से इनको क्या करेंगे, इनकी प्रजाति को डेवलप कर लेंगे. ठीक है. क्रायो प्रिजर्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठंडे बहुत ही ठंडी चीज में किसी चीज को प्रिजर्व करना. एग एंड कैन बी फर्टिलाइज्ड इन वाइट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर के बारे में पता है मेथड. सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी कैप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन सीड बैंक. तो ठीक है, यहाँ सीधी सी बात ये कह रहा है कि हम लोग जो थ्रेटेंड एनिमल्स हैं उनके गैमेट्स को प्रिजर्व कर लेंगे, जो प्लांट्स हैं उसको टिश्यू कल्चर करके हम लोग उनकी संख्या बढ़ा लेंगे. तो बस ये वही कह रहा है, एक्सिटू के तरीके बता रहा है ये, और कुछ नहीं है. प्लांट और एनिमल के एक्सिटू के तरीके. क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब पता ही है, ठीक है, टिश्यू कल्चर हमको पता ही है. आगे आते हैं सीड बैंक. हम लोग सीड इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है ना, सीड बैंक का भी यूज कर रहे हैं हम लोग. बायोडायवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्री. बायोडायवर्सिटी का कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं पता कि हाँ तुम्हें यहां तक रहना, तुम्हें वहां तक रहना है. एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस, है ना. बायोडायवर्सिटी ये तो नहीं कहती तुम रशियन हो, तुम इंडियन हो, तुम अमेरिकन हो, वो तो ऐसी बात नहीं करती है. तो हम सबका फर्ज बनता है कि उसको हम लोग क्या करें, प्रिजर्व करें. द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट कहा जाता है इसको हम लोगों ने. कन्वेंशन एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, पूरे सब वर्ल्ड को कलेक्ट किया गया, जो कि कहा हुआ था, रियो डी जेनेरियो इन 1992. कार्ल अपॉन एक मीटिंग बुलाई गई सभी देशों की टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो याद रखेंगे पहला समिट कब हुआ था, समिट मतलब एक तरह कह लो मीटिंग, ठीक है, किसके लिए हुई थी, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट. मतलब ठीक है, पेड़ काटने हैं, एक लिमिट में काटो, जितनी जरूरत है उतनी, ये नहीं कि लालच के चक्कर में पूरा काट दे रहे हो. दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल, या जितने काट रहे हो उतने लगाओ, फिर कुछ भी हो सकता है. इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002, इसी को फॉलो अप करते हुए 1992 के बाद 2002 में दूसरी समिट हुई इन जोहान्सबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में है. 190 कंट्री प्लेस, 190 कंट्री ने क्या किया, कसम खाई देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल रीजन एंड द लोकल लेवल. कहा कि कसम खाई कि हाँ जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग कम करेंगे. ठीक है, तो ये सब बातें थी, इसको पढ़ोगे, ठीक है, और डाटा है काफ़ी सारा इसमें जिसको थोड़ा सा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. तो ये चैप्टर भी हमारा एक ही लेक्चर में खत्म हो जाता है. तो क्या करना है तुमको पता ना, सारा डाटा एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, लिख लिख के साइड में कोशिश करना, जो मेन मेन डाटा इकट्ठा कर लो और तीन चार बार दो तीन दिन देखोगे सारा याद हो जाएगा, ठीक है ना. तो क्या करना है, रिवाइज करना है. ऑल द बेस्ट.